Hello everyone, good evening to all of you. Good evening to all of you. I hope आप मुझे सुन पा रहे होंगे, देख पा रहे होंगे. तो आज हम इंटीग्रेशन स्टार्ट करने वाले हैं. इंटीग्रेशन आज हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे. पहले इनडेफिनेट पे चलेंगे, फिर डेफिनेट पे चलेंगे और फिर एरिया अंडर द कर्व. इंटीग्रेशन में तीन मेन टॉपिक हैं जिन पे हमें डिस्कशन करना है. और कहीं ना कहीं से इंटीग्रेशन में एक क्वेश्चन हमारा श्योर शॉट पूछा जाता है, तो उसको ध्यान से देखिएगा. कहीं पे भी कोई भी इशू आए तो आप मुझे बताइएगा, ठीक है. सबसे पहले मुझे जस्ट बता दीजिए कि ऑडियो वीडियो इज एवरीथिंग फाइन, सब कुछ क्लियर है. जितने लोग हैं जो मुझे यहां से देख पा रहे हैं वो देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं या नहीं, ठीक है. तो जल्दी से मुझे एक बार इन्फॉर्म करिए कि हाँ, इज एवरीथिंग फाइन. उसके बाद हम अपना सेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं. एक बार मुझे बताएं कि ऑडियो वीडियो इज एवरीथिंग फाइन. ऑडियो वीडियो इज एवरीथिंग फाइन, सब कुछ क्लियर है. एकदम से आप मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं या नहीं? ऑल क्लियर. चलिए चलिए. सो दिस इज मी योगेश त्यागी, फैकल्टी ऑफ मैकेनिकल केमिकल एज वेल एज सिविल इंजीनियरिंग. और जिस किसी ने मुझे अभी तक, जो लोग भी मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो दिस इज माई प्रोफाइल. इन केस अगर आपने मुझे अभी तक फॉलो नहीं किया तो मुझे फॉलो कर लीजिए. आप unacademy.com@thetyagi100 डालेंगे, यू विल गेट माई नेम एंड आप मुझे फॉलो कर सकते हैं. हैव एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 8 ईयर्स, मल्टीपल टाइम्स गेट क्रैक किया है एंड दीज आर माई सब्जेक्ट्स. राइट नाउ हम जो सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स विच इज कॉमन टू ऑल ब्रांचेस. आई एम मेंटोर्ड मोर देन 1 लाख ऑफ स्टूडेंट्स. अभी तक का अगर मैं प्रेजेंट सिनेरियो की बात करूं तो आई एम मेंटोर्ड मोर देन 1 लाख ऑफ स्टूडेंट्स एंड आई हैव वाज इन शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड. अभी तक मोर देन 100 करियर गाइडेंस सेमिनार दे चुका हूं. तो इन केस अगर आपको करियर से रिलेटेड कुछ भी इशू है, यू कैन डायरेक्टली आस्क टू मी. दिस इज माई कोड त्यागी 100. आप चाहें तो इस कोड को कहीं पे भी यूज कर सकते हैं. इन केस अगर आपको कोई कोर्स परचेस करना है, इन केस अगर आपको कॉम्बैट देना है, तो डेफिनेटली आप इस कोड को यूज कर सकते हैं. अनअकैडमी आपको दो टाइप के पेड कोर्सेज देता है. एक आपके पास है प्लस और दूसरा आपके पास है आइकॉनिक. प्लस में आपको मिलती हैं लाइव क्लासेस, क्रैश कोर्स, वीकली टेस्ट, डाउट सॉल्विंग दोनों ही लैंग्वेजेस में, एंड लास्ट वन आपको मिलते हैं रैंक इंप्रूवमेंट बैचेस. आइकॉनिक में आपको प्लस के सारे बेनिफिट मिलते हैं, साथ ही में मिलता है पर्सनल कोच, आपको मिलता है स्टडी प्लानर, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग इंस्ट्रक्टर, प्रिपरेशन स्टडी मटेरियल, पर्सनल कोच जो आपको कॉन्टिन्यूसली गाइड करता है कि आज आपको क्या करना है, कैसे करना है. तो अगर यहां से जस्ट बात करें, आपको मिलता है स्टडी बूस्टर सेशंस, पर्सनलाइज्ड टेस्ट एनालिसिस, ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट अभी हम लोग जस्ट बात कर रहे हैं, नेक्स्ट इज वॉट. अगर हम प्लस की बात करें तो बेटा इट इज द कोर्स ऑफ प्लस, और प्लस की अगर हम कोर्स की बात करें तो दिस इज द फी स्ट्रक्चर फॉर प्लस. एंड जो भी फी स्ट्रक्चर है करंट, उस फी स्ट्रक्चर में व्हेन यू यूज अ कोड ऑफ त्यागी 100 यू विल गेट अ 10% डिस्काउंट. इस 10% डिस्काउंट के अलावा जो भी करंट रनिंग ऑफर्स चल रहे होंगे वो ऑफर्स, और प्लस एक पर्सनल गाइडेंस हमेशा सबको नीड रहती है कि हाँ सर मैं ये करना चाहता हूं तो इसके लिए मुझे पर्सनल गाइडेंस की नीड है. तो यस, आपको एक पर्सनल गाइडेंस भी मिलेगा, दैट इज बाय मी. दिस इज फॉर आइकॉनिक. आपको एक पर्सनल गाइडेंस मेरा भी मिलेगा और ऑब्वियसली एक आपके पास इंस्ट्रक्टर भी रहेगा जो कॉन्टिन्यूसली आपको इंस्ट्रक्ट करता रहेगा कि आज आपका परफॉर्मेंस ऐसा है, अभी नेक्स्ट वीक पर परफॉर्मेंस ऐसा है. तो आप आइकॉनिक भी चूज कर सकते हैं इन केस इफ यू नीड इट, ठीक है. अनअकैडमी के प्राइस बहुत जल्दी हाइक होने वाले हैं, जस्ट जिस किसी को भी लेना है वो जल्दी से ले सकता है. अनअकैडमी पे जब आप जाओगे तो आपको पता चलेगा, मेरे ख्याल से सारे के सारे लोग देखते हैं, वहां पे अच्छे अच्छे फीचर्स हैं. जैसे आस्क अनलिमिटेड डाउट का ऑप्शन है, आप यहां से जैसे ही क्वेश्चन मार्क वाले पे जाते हैं तो अपने डाउट पूछ सकते हैं कभी भी कहीं भी. आपको हाई क्वालिटी वीडियो रेजोल्यूशन मिलता है, नो डाउट आपके क्वेश्चन के जो है जो आंसर है वो एग्जैक्ट मैचेस मिलते हैं, और इंस्टेंट सॉल्यूशन मिलता है. चाहे जितने भी क्वेश्चन आपके आते हैं उनका इंस्टेंट सॉल्यूशन मिलता है, ठीक है. अच्छा, अगर हम यहां से जस्ट बात करें तो ये आपके पास अनअकैडमी के स्पेशल क्लासेस के फीचर हैं. नो डाउट क्लासेस आपकी बहुत ज्यादा इंटरैक्टिव रहती हैं, पोल्स रहते हैं जिससे आप अपने आप को जस्ट कंपेयर कर सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, बाकी लोगों के रेस्पेक्ट में आपका कैसा परफॉर्मेंस है. रेज अ हैंड का ऑप्शन रहता है, क्लास कभी मिस ना हो इसलिए नोटिफिकेशन जाता है. लेक्चर के नोट्स आपके पास कॉन्टिन्यूसली जाते हैं, लेक्चर को आप कहीं भी कभी भी वॉच कर सकते हैं. तो ये स्पेशल क्लासेस के फीचर्स हैं. एंड ये क्लास अभी सेलेंसर ने स्टार्ट की है, सेलेंसर है हमारे साथ,
तो एक क्लास अभी सैलेन सर ने स्टार्ट की है, 13 दिसंबर से क्लास स्टार्ट हुई। तो जिस किसी को भी ज्वाइन करना है, यू कैन ज्वाइन द बैच। कोई सा भी केमिकल वाला स्टूडेंट है वो ये बैच ज्वाइन कर सकता है बाय यूजिंग द सेम कोड त्यागी 100। और केमिकल ही नहीं, जितनी भी क्लासेस आती, चाहे वो मैकेनिकल के स्टूडेंट हो, वो भी अन अकेडमी में कहीं पे भी, या सिविल के स्टूडेंट हो, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई भी ब्रांच हो, आप यूज कर सकते हैं कोड त्यागी 100 एंड यू कैन ज्वाइन द बैच। ओके, नाउ ये एक जो मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं उनके लिए इंजीनियरिंग सर्विसेज का बैच स्टार्ट हुआ प्री के लिए, तो आप इस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और ये सारा का सारा एक ही में, अगर आप गेट ईएससी का जो भी सब्सक्रिप्शन लेंगे तो ऑब्वियसली ये आपको यहां से कॉम्प्लीमेंट्री सब जगह पे, कोई सा भी बैच है उसमें आपको रजिस्टर करना है और आप उसमें पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलो तो कौन कौन आ गया है, रेबिका सेलेंसर है, देव मैकेनिकल, ऋषि मिश्रा, अनिरुद्ध, चलिए तो सबको गुड इवनिंग, सबको नमस्कार। और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा यहां से, जस्ट हम लोग बात करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन के बारे में। और सबसे पहले हम लोग जो बात करेंगे वो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन पे बात करेंगे। इंटीग्रेशन हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, पहले इनडेफिनेट पे बात करेंगे, फिर हम डेफिनेट पे बात करेंगे, और लास्ट वन जो हमारे पास आएगा दैट इज एरिया अंडर द कर्व्स वाला पार्ट, जिससे हमारा जब क्वेश्चन आता है तो इन जनरल हमें कहीं ना कहीं से इश्यू आता है। तो यस, ईच एंड एवरीथिंग हम लोग कवर अप करेंगे और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ऑब्वियसली करनी रहेगी। मुझे ऐसा लगता है कि आपको शायद इसमें सब कुछ आता है, शायद आपको सब कुछ आता है, सब कुछ इन द सेंस, ऐसा नहीं कि नहीं हाँ हमें सर सब कुछ याद है, बट हाँ हमें कुछ ना कुछ बस रिवाइज करना है और हमें बस इसको जस्ट आगे यूटिलाइज करना है। ठीक है, तो चलो यहां से जस्ट बेटा बात करना शुरू करते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में। ऑब्वियसली आपको पता है कि इंटीग्रेशन कुछ नहीं है, जो हमने डिफरेंशिएशन करते हैं उसका जस्ट एक रिवर्स प्रोसेस है। जो भी हम यहां से डिफरेंशिएशन करते हैं उसका एक रिवर्स प्रोसेस है। तो इंटीग्रेशन इज नथिंग, इट इज जस्ट अ रिवर्स प्रोसेस। और कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो मुझे आपको बतानी है, जैसे आप किसी का भी इंटीग्रेशन करने वाले, फॉर एग्जांपल जब आप किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते थे तो आपका कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन आता था, आप यहां से देखते हैं कि सर अगर मैं किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करता था तो जीरो आता था ऑब्वियसली, लेकिन जब आप यहां पे कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करते हैं तो आपको मिलता है डायरेक्टली kx और प्लस कोई आर्बिट्री कांस्टेंट, कोई सा भी आर्बिट्री कांस्टेंट हो सकता है। ठीक है, यस, कल का प्रॉब्लम एक बार बता दो, कौन सा प्रॉब्लम है? हाँ बता दूंगा, हाँ बता दूंगा, आप परेशान मत हो। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट बेटा, अगर हम जैसे यहां पे बात करते थे, हमने जस्ट बोला कि x टू दी पावर n का जब हम डिफरेंशिएशन किया करते थे तो आपको याद होगा कि ये तो सिंपल हमारे पास आया था एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन। ठीक है, ये जस्ट इसका ऑपोजिट, एक्स टू दी पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन। यहां पे n पहले आता था, यहां पे माइनस वन आ जाता था, यहां पे n डिवाइड में, बस वही कहानी है, इसका जस्ट ऑपोजिट कहानी है, इसका जस्ट ऑपोजिट कहानी है। तो मैं इसके जो फॉर्मूले हैं ये बहुत ज्यादा जो बेसिक वाला पार्ट है कि हाँ ऐसे 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 होता है वो तो नहीं बताने वाला ऑब्वियसली, मैं जैसे आपको कुछ फॉर्मूले हैं जो चाहूंगा कि आप याद रखें। ठीक है, जैसे अगर मैं एक फॉर्मूले इसकी बात करूं x टू दी पावर n, अभी मैंने पीछे लिया भी था, अगर मैं इसके बारे में बात करूं x टू दी पावर n dx, तो x टू दी पावर n प्लस वन डिवाइड बाई n प्लस वन, प्रोवाइडेड दैट उसने यहां से बोला कि n माइनस वन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर n माइनस वन हुआ तो ये आपकी वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, कल वाला प्रॉब्लम रुक जाओ, कल वाला प्रॉब्लम रुक जाओ। ठीक है, एक हमारे पास ये आ गया। नेक्स्ट बेटा, अगर हम जैसे डिफरेंशिएशन करते तो इसका जस्ट ऑपोजिट हमें जस्ट दिखता था, एक्स टू दी पावर एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन है, तो एन प्लस वन आगे आ जाएगा और आपके पास अगेन एक्स टू दी पावर एन बचेगा, डी ओवर डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स। यहां से जस्ट अगर हम जस्ट बेटा बात करते थे, आपको याद होगा कि आप 1 बाई एक्स का जब बात करते थे, ln x का डिफरेंशिएशन आपको पता है कि सर 1 बाई एक्स हुआ करता था। सिमिलरली अगर आप यहां से 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको डायरेक्टली मिलेगा ln x प्लस c, c कोई भी ऑर्बिट्री कांस्टेंट हो सकता है। सिमिलरली e टू दी पावर kx के बारे में जब आप बात करते थे तो आपको पता है कि e टू दी पावर, ये k कोई कांस्टेंट है, अगर ये 1 होता तो यहां पे 1 आ जाता। ठीक है, जैसे इसके बारे में बात करते थे तो e टू दी पावर kx / k को दोबारा से इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास सेम चीज आने वाली है। तो इट इज जस्ट ऑपोजिट टू द डिफरेंशिएशन, जस्ट ऑपोजिट टू द डिफरेंशिएशन, आपको बस इतना ही याद रखना है और इसी के बेसिस पे हम लोग आगे चलते चलेंगे। कुछ फॉर्मूले यहां से, मॉड किस लिए, किसी बच्चे ने यहां से जस्ट पूछा है मॉड किस लिए, बिकॉज जब हम यहां पे बेटा जस्ट बात करेंगे इसके बारे में, ln ऑफ यहां से जस्ट बात करेंगे माइनस ऑफ एक्स, ln ऑफ माइनस एफ, आप यहां से यही तो पढ़ते ना, ln ऑफ कितना पढ़ते हैं बेटा, x टू दी पावर माइनस वन ही तो पढ़ते हैं, ऐसे ही तो पढ़ते हैं या ऐसे पढ़ते हैं। अगर आप ln ऑफ माइनस एक्स की बात करेंगे तब आप यहां से जस्ट देखेंगे नहीं सर ऐसे नहीं, हम यहां से मॉड एक्स का मतलब हमने जस्ट पॉजिटिवली बात की है, पॉजिटिवली बात की, एक्स को नेगेटिव नहीं लिया। हाँ, एक्स ग्रेटर देन, रोहित तिवारी का ऐसा कहना था, रोहित तिवारी का ऐसा कहना था, तो रोहित तिवारी बच्चे जरूरी
हम यहां से ये कर सकते थे 1/x ले लेते, हम 1/x ले सकते थे x टू द पावर माइनस वन, नॉट माइनस x की बात कर रहे हैं। तो आई होप कि मतलब ये चीज आपको क्लियर होगी। आप ln ऑफ माइनस वन की वैल्यू की बात करते हैं, ln ऑफ माइनस वन की वैल्यू की हमने यहां से जस्ट डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले, अब आप यहां से जस्ट देखिए आपको कुछ फॉर्मूले हैं जो याद रखने पड़ेंगे, कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको यहां से याद रखने पड़े। x टू द पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाई n प्लस वन होगा ना सर, कहां पे बात कर रहे हैं x टू द पावर n प्लस वन डिवाइड बाई n प्लस वन, और हमने क्या कुछ और लिखा है क्या, हमने यहां से कुछ और लिखा है क्या, x टू द पावर n प्लस वन डिवाइड बाई n प्लस वन, हमने कुछ और लिखा है क्या, देखो यहां से कुछ और लिखा है क्या, प्रोवाइडेड दैट n जो है वो आपका यहां से माइनस वन नहीं होना चाहिए, बस इतना ही तो लिखा था। अगर यहां से जस्ट बात करेंगे तो ये n प्लस वन आगे आएगा, n प्लस वन नीचे था, ये कट जाएगा x टू दी पावर n, कुछ दिक्कत है क्या इसमें, कुछ नहीं सर, मेरे ख्याल से ये तो क्लियर है, मेरे ख्याल से ये भी क्लियर है, मेरे ख्याल से ये भी क्लियर है, इसमें तो कोई इश्यू किसी को भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट बेटा, हम लोग थोड़ा सा आगे बात करते हैं, हम बात कर रहे हैं sin x का cos x आता था, ऑब्वियसली cos x का जब हम यहां से डिफरेंशिएशन करते हैं तो इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें sin x मिलता है। सिमिलरली हम यहां से जस्ट बात करते हैं सर cos x के बारे में बात कर रहे हैं तो माइनस sin x, और हमने जब sin x की बात की तो उल्टा आ जाता है, कितना बचे, न्यूमरेटर दिखा देते हैं, न्यूमरेटर दिखा देते हैं, आकाश को दिक्कत है, कहां है न्यूमरेटर, कहां है न्यूमरेटर, यही तो है ना, इसके बारे में बात कर रहे हैं, इसके बारे में बात कर रहे हो, अच्छा सुनो इसके बारे में हमारे पास क्या आएगा, x टू द पावर n प्लस वन का डिफरेंशिएशन था तो बेटा n प्लस वन तो आगे आ जाएगा और माइनस वन डिवाइडेड बाई हमारे पास यहां से n प्लस वन पहले से था, तो क्या ये n प्लस वन कटेगा, यहां से वन वन कटेगा, x टू द पावर n ही तो बचेगा, n माइनस वन कहां है, n माइनस वन तुमको कहां दिख रहा है, मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा है, कहीं n माइनस वन दिख रहा है क्या, एक मिनट, अच्छा प्लस क्लियर नहीं दिख रहा है क्या बेटा, प्लस है वो, प्लस है, प्लस है, माइनस नहीं है ना, प्लस है, प्लस है, कंफ्यूज मत होइए, ठीक है, प्लस है, प्लस है, प्लस है, थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखोगे तो प्लस है। चलो 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 चलो, यहां से जस्ट बेटा हम लोग बात कर रहे थे, नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग बात कर रहे हैं, कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। वन इज व्हाट, साइन एक्स का फॉर्मूला, जैसे कॉस एक्स की बात करते थे सर, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स करते थे, वैसे अभी साइन एक्स का क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस कॉस एक्स, टेन एक्स का आपको पता है सेक स्क्वायर एक्स होता था, तो सिमिलरली उल्टा करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स का आपके पास यहां से टेन एक्स आ जाएगा, सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स, सेक एक्स टेन एक्स का यहां से सेक एक्स, ये फॉर्मूले हैं, पांच छह फॉर्मूले हैं, वो पांच छह फॉर्मूले आपको बिल्कुल अच्छे से याद होने चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं कि आपको याद रहेंगे, और अगर नहीं याद होते हैं तो कोई बात नहीं है ना, क्या है सब लोग ऐसा, सबको याद थोड़ा ना रहते हैं, सबको याद थोड़ा ना रहते हैं, कुछ ना कुछ ऐसे काम चल जाएगा। एक मेरा सजेशन है कि अगर आप चाहें तो टेबल को याद रख सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पे हमारे पास जब टर्म आ जाते हैं तो हम भूल जाते हैं कि सर हमें क्या करना है, ठीक है, तो आपको ये वैल्यू मेरे ख्याल से 90 तक तो याद रहती है, मैंने थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया, आप चाहो तो इसको आगे लेके चल सकते हो, और नहीं तो आप यहां से 90 तक याद रख सकते हो, ठीक है, केवल आप चाहें तो, अगर आपको लगता है तो सर हम 90 तक याद रख सकते हैं, आप क्लियर यहां से, अच्छा थोड़ा सा इमेज फट गया होगा इसकी वजह से, वो ऐसा दिख रहा होगा कि नहीं सर वो n माइनस वन दिख रहा है ना, किसका था, आकाश का, आकाश, तो इमेज फट गया होगा, इट मे बी शायद आपको ऐसा दिख रहा हो। सो आप यहां से जस्ट देखिए साइन, हम जस्ट बात कर रहे हैं 0, 30, 45, ये टेबल सबको याद होगी, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि नहीं मैं मुझे इस टेबल को पढ़ाना, ये सबको याद होगी, और जस्ट यहां से डबल इंटीग्रेशन भी आता है, हाँ डबल इंटीग्रेशन, जब थोड़ा सा डबल इंटीग्रेशन और उसमें से चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन थोड़ा सा उस पर बात करेंगे, वो लास्ट में करेंगे, ठीक है, आता नहीं है, एरिया अंडर द कर्व वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, डबल इंटीग्रेशन में बस हमें थोड़ा सा चेंज करना आता है, ट्रिपल डबल वाले में थोड़ा सा चेंज करना आता है कि हम लिमिट कहां से कहां तक लगाएंगे, ठीक है। अच्छा पार्ट वन की क्लासेस नहीं लिया है तो यहां से कर सकते हो, कुछ इतना बड़ा इश्यू नहीं है, कुछ बीटेक तो किया है ना, ट्वेल्थ तो किया है ना आपने, ट्वेल्थ तो किया है ना, अच्छा ये वैल्यूज थोड़ा सा जस्ट साइन 90 माइनस कॉस 90 माइनस टेन 90 माइनस, मैंने चारों आपके यहां से जो हमारे पास जस्ट रहते हैं हमने चारों के चारों पार्ट लिए, साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, 180 जो भी है 180 माइनस थीटा, सारे के सारे लेनी है, ये पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ये पीडीएफ आप अपने पास रखना और जो भी पार्ट है उसको जस्ट देख लेना, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट पार्ट, कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले जो हमें बहुत ज्यादा जरूरी रहेंगे जब हम इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन में कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले जो हमारे लिए बहुत जरूरी रहेंगे, पहले मुझे ये बताइए ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले विजिबल हैं क्या, ऐसा तो नहीं है कि विजिबल ना हो, ठीक है, कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले विजिबल हैं क्या,
कॉसेक थीटा का उल्टा साइन थीटा, सेक थीटा का उल्टा कॉस थीटा, कॉट थीटा का उल्टा 1/10 थीटा, 10 थीटा का उल्टा साइन थीटा बाई कॉस थीटा। पाइथागोरस की यहां से जस्ट आइडेंटिटीज हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं। ये विजिबल हैं क्या? अगर विजिबल ना हो तो भी कोई बात नहीं, परेशान मत हो ना कि आंखों पे जोर डाल लो सर हमको नहीं दिख रहा है आपने क्या कर लिया है कैसे कर, नहीं दिख रहा है क्या कुछ भी? तो ये अभी इंक्रीज भी नहीं हो पाएगा, अभी तो ऐसा भी नहीं हो पाएगा। आप अपने अच्छा आकाश को क्लियर, आकाश को जो क्लियर नहीं था, जो क्लियर था वो क्लियर नहीं था, है ना, और ये क्लियर है। चलिए थैंक यू। चल अच्छा सुनो सुनो सुनो, ये आपके पास पीडीएफ आ जाएगी तो आप बस इतने फॉर्मूले देख लेना एक बार, अपनी जो होता ना सरसरी निगाहें, उन सरसरी निगाहों से इन फॉर्मूलेस को देख लेना, ताकि ऐसा ना हो कि नहीं सर हमको समझ में नहीं आया और हमको पता ही नहीं चला कि क्या हुआ है कैसे हुआ है। तो आप बस इसको याद रखना, देख लेना, दैट इज ओके, बहुत ज्यादा इस पे फोकस करने की जरूरत नहीं रहेगी, ठीक है। चलो 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 चलो, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, पूरा ब्लर है, पूरा ब्लर नहीं छोटा छोटा लिखा हुआ है, फॉर्मूले कई सारे हैं छोटा छोटा लिखा हुआ है, तो इस वजह से शायद 4, 7 और ये 15, 18, 22, 26, 25 और 29 और 32 फॉर्मूले क्लियर नहीं दिख रहा। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा, ठीक है। ये कुछ फॉर्मूले मैं बता देता हूं, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा याद होगा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा याद होगा, cot थीटा इज इक्वल टू 1/10 थीटा याद होगा, 10 थीटा इज इक्वल टू 9 थीटा/cos थीटा याद होगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहां से साइन ए प्लस बी का साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी का साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी टेन ए माइनस बी, कॉट ए प्लस बी कॉट ए माइनस बी, टू साइन ए कॉस बी टू कॉस ए साइन बी, टू साइन ए साइन बी टू कॉस ए कॉस बी, ठीक है। बेसिक फॉर्मूले है, बेसिक फॉर्मूला, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, नहीं दिख रहा तो कोई परेशान परेशानी की बात नहीं, हाँ रेजोल्यूशन बढ़ा लो तो शायद दिख जाएगा, पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा। फिर इसके बाद साइन ए प्लस साइन बी के साइन ए माइनस साइन बी, कॉस ए प्लस कॉस बी कॉस ए माइनस कॉस बी, बेसिक फॉर्मूले जो आपने नाइन्थ में पढ़े थे, नाइन्थ और टेंथ में आपने पढ़े होंगे, वही बेसिक फॉर्मूले हैं, ठीक है। साइन टू ए का फॉर्मूला है, कॉस टू ए का फॉर्मूला है, टेन टू ए का फॉर्मूला है, इज दैट क्लियर। यहां से साइन थ्री ए का फॉर्मूला है, कॉस थ्री ए का फॉर्मूला है और टेन थ्री ए का फॉर्मूला है, और साइन ए बाई टू का कॉस ए बाई टू का टेन ए बाई टू का, बस इतने फॉर्मूले, और ये सारे के सारे आपने यहां से पढ़ रखे होंगे। सामने वाला लाइट बंद कर देंगे तो दिखेगा, ऐसा है क्या? चलो देख लेते हैं, ये लीजिए सामने वाला लाइट मैं बंद कर लेता हूं, अभी बताइए दिख रहा है क्या? मैं सामने वाली लाइट बंद कर दिया आपके लिए, ठीक है। अभी मैं सामने वाली लाइट बंद किया, 1080 पिक्सल में क्लियर है, 1080 पिक्सल में क्लियर है। चलो देखो मैंने लाइट बंद कर दी है, शायद आपको दिख जाए, कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा, शायद आपको थोड़ा बहुत दिखे, है ना। बट अगर नहीं दिख रहा है तो परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, और ऑब्वियसली मेरे किस काम का है, आप ही के काम का है, तो आप यहां से इसको देख लेना, ठीक है। चलो बहुत छोटा लिखा है क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूले हैं और एक टेबल है, आप चाहें तो उसको सिंपल जस्ट स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लेना, ठीक है। चलो अब यहां से जस्ट आगे बात कर लेते हैं, आगे जस्ट बात कर लेते हैं। इनकेस अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप एक काम भी कर सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने मोबाइल पे देख सकते हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब थोड़ा क्लियर हुआ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अपने पास रखना, बस दैट्स इट। क्योंकि ऐसा होता है ना, जब हम इंटीग्रेशन करने जाते हैं तो हमारा कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला आता है और हम इंटीग्रेशन करना होता है तो हम कर नहीं पाते, तो आप चाहें तो इसका इंटीग्रेशन इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आपको विजिबल रहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि मोबाइल में जब जरूरत हो तो आप इसको देख लें, दैट्स इट फिनिश, है ना। वॉलपेपर लगाएंगे तो शायद फट जाएगा, तो बस इतने में काम हो जाएगा। चलो ठीक ठीक है बच्चे, ठीक है। तो हम यहां से जस्ट ये बेसिक फॉर्मूले हैं जो हमें याद होने चाहिए। मैंने यहां से एक और ये है, sec थीटा प्लस 10 थीटा के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, cosec थीटा प्लस cot थीटा, sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, ये तो तीन मैं अभी बता ही चुका था, ये तीन के तीनों में अभी आपको बता ही चुका था, केवल ये दो चीजें हैं जिनको याद रखना। मैंने दो तीन आपको टेबल बताई हैं जो आपको याद रखनी, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये और पांचवा ये, ठीक है। ये पांच पेजेस हैं जो आपको याद रखना है, दिख रहा है रेजोल्यूशन इंक्रीज करके, चलो ठीक है। ये पांच पेजेस हैं जो आपको इन जनरल मेरे ख्याल से याद होंगे, और अगर नहीं याद है तो कोई बात नहीं, आप यहां से इनको याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए अभी ना हमें जो बेसिक फंडा है जो हमें याद रखना है इंटीग्रेशन वाला, कि सर हमें डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा करना है,
बेसिक फंडा यह है कि हमें सर डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा करना है, बस इसके अलावा सर हमें कुछ भी काम नहीं करना है, ठीक है। अगर हम ऐसे इन जनरल बात करना शुरू करेंगे सर, अगर मैं यहां से कोई थ्योरम की बात करूं कि सर इंटीग्रेशन ऑफ के टाइम्स ऑफ द एफएक्स की अगर बात करें तो ऑब्वियसली के कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमने कुछ नहीं लिया था तो हमने कांस्टेंट हम डायरेक्टली बाहर ले लेते हैं और इंटीग्रेशन ऑफ हमारे पास कितना आ जाता है एफएक्स और इनटू कितना आ जाता है बच्चे डीएक्स आ जाता है। ऐसा भी पॉसिबल है कि आपको ऐसे दे दे इंटीग्रेशन ऑफ कुछ इस टाइप से, इस यहां से जस्ट दे दे एफ वन ऑफ एक्स प्लस माइनस, आपको यहां से ऐसे दे दे एफ टू ऑफ एक्स और प्लस माइनस एंड सो ऑन, ऐसे आपको फंडे कई सारे यहां से फंक्शन दे दे और इसका आपसे इंटीग्रेशन पूछते हैं। अगर ऐसा आता है तो आप डायरेक्टली इंटीग्रेशन को क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। और डायरेक्टली जब इसको ब्रेक करेंगे तो आपको क्लियरली यहां से दिखेगा, आपको यहां से दिख जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ वन ऑफ एक्स डायरेक्टली आपको कितना दिखेगा डीएक्स, प्लस आपको यहां से दिखेगा एफ टू ऑफ एक्स प्लस माइनस यहां से इंटीग्रेशन ऑफ एफ टू ऑफ एक्स और डीएक्स एंड सो ऑन, कुछ इस टाइप से आपको इंटीग्रेशन के फंडे हैं जो क्लियरली आपको यहां से समझ में आते रहेंगे। आप बोलोगे कि सर कुछ प्लस माइनस हो तो हाँ, मल्टीप्लिकेशन अगर आएगा तो मल्टीप्लिकेशन में आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बट प्लस माइनस में आप डायरेक्टली इंटीग्रेट कर पाएंगे। अच्छा, अभी हमने यहां से जस्ट बोला कि कोई भी फंक्शन अगर हमें यहां से दिया है, लेट सपोज हमसे कोई फंक्शन इस टाइप से दे रखा है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अगर हमसे यहां से ऐसे दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स और यहां से दे रखा है dx, लेट सपोज कुछ इस टाइप से दे रखा है, तो बाय चांस कभी कभी ऐसे होता है कि अगर मैं यहां से देखूं f ऑफ ax प्लस b, माइनस और ले लेते हैं साथ में, इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ ax प्लस b, कोई बच्चा बता सकता है मेरे पास ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, कोई बच्चा मुझे यहां से बता सकता है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं वन बाई ए, वन बाई ए और यह आ जाएगा f ऑफ ax प्लस माइनस B, करेक्ट, कहीं पे भी ये सिंपल थ्योरम है जो मैं चाहता हूं कि आपको याद रहे, बाकी ऐसा कुछ नहीं कि नहीं हमें याद रखना ही रखना है, कुछ नहीं करना है, मैं चाहता हूं कि आप याद रखें ताकि कुछ भी मिस्टेक आपसे ना हो। एक आपके पास मैंने ये बोला, एक मैंने आपको यहां से ये वाला पार्ट बोला है, ठीक है, एक मैंने आपको ये बोला है और एक मैंने आपको यह वाला पार्ट बोला है। इन केस अगर आपको कहीं से लग रहा है कि सर मुझे नहीं दिख रहा है या मैं कंफर्टेबल नहीं हूं तो मुझे जल्दी से बता देना, बहुत आसान है, कुछ नहीं है। आपने सिंपल फंडे लिए थे, जैसे यह वाला फंडा था आपके पास, यहां से इंटीग्रेशन ऑफ अगर टू एक्स स्क्वायर देता तो आप इसको लिख देते सर टू टाइम्स ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डीएक्स आ जाता, जो भी था सर हम यहां से दो मिनट में निकाल देते, डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा, वन बाई ए एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी। यस, रोहित तिवारी ने बता दिया कि वन बाई ए सर एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी आएगा और हमें यह चीज पता है, ठीक है, हमें यह चीज पता है, आपको इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है कि हाँ सर हमको पता नहीं है या हम ऐसा कुछ कर रहे हैं। या यहां से एक और जस्ट मैं फंडा बताने की कोशिश कर रहा था कि सर अगर मैं यहां से x टू द पावर x या x a टू द पावर x का इंटीग्रेशन करूंगा तो सर a टू द पावर, चलो अच्छा एक चीज बताओ, अगर मैं यहां से इंटीग्रेशन ऑफ कुछ इस टाइप से करूं, यहां से मैं इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ 3x प्लस 5 रखूं dx, कितना आएगा इसका इंटीग्रेशन 3x प्लस 5 का इंटीग्रेशन कितना आएगा, क्या मैं लिख सकता हूं सर ये यहां से 1 बाई 3 कॉस का इंटीग्रेशन कितना आएगा साइन, सही है क्या, ऑफ 3x प्लस 5, करेक्ट है क्या ये इंटीग्रेशन, जरा बताना मुझे, फिर मैं क्वेश्चन देना शुरू करता हूं और जस्ट वो फॉर्मूले को यूज करेंगे और क्वेश्चन करेंगे, मैं आपको क्वेश्चन ही दूंगा और क्वेश्चन देना शुरू जस्ट करने के बाद आपको जस्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है, दैट विल बी मच बेटर, करेक्ट है क्या, चलो अगर ये करेक्ट है तो मुझे जरा इसका इंटीग्रेशन बता दो, इंटीग्रेशन ऑफ टू टू द पावर एक्स ई टू द पावर एक्स डीएक्स, जरा मुझे इसका इंटीग्रेशन बताओ कितना आएगा, इसका जरा मुझे इंटीग्रेशन बताओ, हाँ साइन ऑफ 3x प्लस 5 बाई 3, करेक्ट रोहित तिवारी ने बताया, मैं जस्ट चाह रहा हूं कि इसका इंटीग्रेशन बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ 2 टू द पावर x e टू द पावर x प्लस यहां से जस्ट दिया गया है e टू द पावर x इंटू dx, बताएगा कोई मुझे, बताइए कितना आ रहा बच्चे, कितना आ रहा इंटीग्रेशन है, सिंपल इंटीग्रेशन है, बाईपार्ट करना पड़ेगा, शिवम त्रिवेदी ने, कितने लोगों को लगता है इसको बाईपार्ट करना है, कितने लोगों को लगता है कि इसको बाईपार्ट करना है,
जबकि अभी बाई पार्ट का मैंने कोई फंडा इंक्लूड नहीं किया, बट फिर भी कितने लोगों को लग रहा है कि इसको बाई पार्ट करना है या इसको सिंपल कर सकते हैं? अच्छा, दो दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, ओके, बताइए। एक 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 फॉर्मूला होता है ए टू द पावर एक्स डीएक्स का, और ये क्या होता है, ए टू द पावर एक्स डिवाइड बाय एल एन ए, करेक्ट है, ये करेक्ट है ना, ये वाला फॉर्मूला। तो अगर मैं यहां से जस्ट ऐसे लिखना चाहूं कि ये जो सर है यहां से इंटीग्रेशन ऑफ टू टू द पावर एक्स ई टू द पावर एक्स है डीएक्स, मैं बोल रहा हूं कि इसको डायरेक्टली ऐसे क्यों नहीं लिख देते हो, टू ई टू द पावर एक्स डीएक्स। गुड इवनिंग संदीप, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको? और अगर ऐसे लिख सकता हूं तो मैं फिर कर भी सकता हूं, बहुत आराम से करना है, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं, क्योंकि इसके बाद हम डेफिनेट पे आएंगे और डेफिनेट के बाद जब एरिया अंडर द कर्व में आएंगे तो आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूं कि 10-15 क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस हो जाए ताकि हमें डाउट ना रहे कि हां सर हमारा इंटीग्रेशन कैसे होता है। क्या यह सही है, क्या यह सही है? और अगर ऐसा है तो सर हमारे पास सीधा फंडा आ गया, सर मैं यहां से लिख सकता हूं 2e टू द पावर x डिवाइडेड बाई ln ऑफ 2e प्लस c आ जाएगा, इसमें भी प्लस c नहीं लिखा था। क्या सही है ये क्वेश्चन? अगर आपने किया है बाईपार्ट किया तो बाईपार्ट करके देख लीजिए, और अगर ऐसे कर लिया तो डायरेक्टली ऐसे करके देख लीजिए। बस मुझे आपसे चाहिए कि आप मुझे पहले कंफर्मेशन दें कि हां सर मैं ऐसे कर सकता हूं। टू टू दी पावर एक्स ई टू दी पावर एक्स माइनस लॉग एक्स, रोहित तिवारी ने आंसर किया। बाईपार्ट से सेम आ रहा है तो बाईपार्ट से इतना लंबा करने की जरूरत क्या थी? अगर आपको सिंगल ई टू दी पावर एक्स था तो आप ई टू दी पावर एक्स का ई टू दी पावर एक्स होता है, लेकिन अगर ऐसा कुछ दिया गया है तो आप डायरेक्टली कर पाओगे ना, इतना लंबा करने की जरूरत क्या थी, आप तो डायरेक्टली कर सकते थे इसको। बस ये वाला एक फॉर्मूला और बीच में आ गया है इंटीग्रेशन का, एक वाला एक ये वाला फॉर्मूला बीच में आ गया है, इस फॉर्मूले को आपको याद रखना ए टू द पावर एक्स। अरे ए टू द पावर एक्स यहां से डी बाई डी एक्स ऑफ किसका होता था, आपको याद होगा डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स का कितना होता था, ए टू द पावर एक्स एल एन ए हुआ करता था, अभी ये यहां से इंटीग्रेशन करेंगे तो डिवाइड बाई एल एन ए हो जाएगा, बस खत्म, ठीक है, डिवाइड बाई एल एन हो जाएगा, खत्म सर, इतना 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 टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है मुझे, करेक्ट, ओके। चलो एक क्वेश्चन मुझे अभी यहां से जस्ट आपको बताना है, एक क्वेश्चन मैं आपको लिख रहा हूं आपके सामने, बस छोटे छोटे आसान से चलेंगे टफ की तरफ। इंटीग्रेशन उसने बता रखा है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स और डिवाइडेड बाई आपके पास यहां से 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स दे रखा है, डीएक्स दे रखा है, जरा मुझे बताओगे कितना आ रहा है इसका? हाँ शशांक बचे, 3 PM का प्रैक्टिस सेशन हमारा मंडे से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि आपको कैलकुलस के सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस में कराने हैं, तो 3 PM का जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो हम लोग मंडे से स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है, प्रैक्टिस सेशन एट 3 PM, एक घंटे का रहा करेगा, 10-15 से 20 क्वेश्चन विद टाइमर कराऊंगा, ठीक है, विद टाइमर क्वेश्चन रहेंगे, तो जस्ट उसका वेट करिए फिर हम लोग उसको करते हैं। जल्दी से मुझे बताएं 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। अब मैं यहां से लाइट ऑन कर दूं क्या? मेरे ख्याल से अब विजिबिलिटी वगैरह जो भी है वो थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं, बिकॉज मैं ही नहीं दिखूंगा, मैं ब्लैक दिख रहा हूं, 2 sin 2x दिख रहा है, यार सर 2 sin 2x दिख रहा है क्या? रोहित तिवारी गलत कर गए, मैं बोल रहा हूं कि डिफरेंशिएशन भूलो,
डिफरेंशिएशन भूलो और उससे इंटीग्रेशन की तरफ बढ़ो, ठीक है, इंटीग्रेशन की तरफ बढ़ो। बच्चे ये हमें पता है, हम ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन मैंने फंडा दिया है, cos 2x, cos 2x is equal to होता है 1 minus tan square x divided by 1 plus tan square x, मैंने लिखा है इसमें। अगर मैं यहां से जस्ट देखूंगा तो सर ये इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ 2x आ जाएगा और यहां से dx आ जाएगा। अगर मैं इसको देखूंगा तो ये sin 2x आ जाएगा और डिवाइडेड बाई हमारे पास कितना आएगा 2 आएगा और प्लस कितना आएगा c, ठीक है। तो 2 का मल्टीप्लाई यहां से x आ रहा है सर, x कैसे आएगा कुणाल, है ना, जो डिफरेंशिएशन वाला पार्ट है ना उसको इंटीग्रेशन में मत लगाओ, डिफरेंशिएशन वाज डिफरेंट, ये जस्ट ऑपोजिट, ऑपोजिट यहां से डिवाइड बाय 2, रोहित ठीक है, ये एक छोटा सा मिस्टेक। अगला क्वेश्चन यहां से जरा एक क्वेश्चन ये वाला करके बताओ, यहां से जरा ये वाला क्वेश्चन करके देखो, देख लेना ध्यान से, कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज बताना। उसने यहां से ऐसे दे रखा है, अरे यार यहां से उसने कुछ इस टाइप से दे रखा है, देखो उसने बताया है रूट ऑफ एक्स प्लस वन और यहां से बता रखा है रूट ऑफ यहां से एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स डिवाइडेड बाई, यहां से उसने दिया है रूट एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स रूट एक्स, इस टाइप से दिया है रूट एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स रूट एक्स, हाँ डिवाइड करना था ना, बस इतना ही तो मिस्टेक हो जाता है। जल्दी से बताइए, और इंटीग्रेशन है इसका ऑब्वियसली ये dx, इसका इंटीग्रेशन करिए जल्दी से। जल्दी फास्ट, देखो सबसे पहले आपको जस्ट जब इंटीग्रेशन आएगा ना तो इंटीग्रेशन में आपने जस्ट बोला कि मैं दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन लगाना चाह रहा हूं या डिवाइडेशन लगाना चाह रहा हूं, उसको लगाने से पहले सबसे पहले यह चीज सोचनी है कि मैं इसको कितना मिनिमम टर्म्स में ब्रेक कर सकता हूं, तभी आपका क्वेश्चन बनेगा। अगर बाई चांस आप गड़बड़ करोगे तो मिस्टेक हो जाएगी, जैसे ये वाला टर्म है अगर मैं इसको चाहूं तो कुछ इस टाइप से ब्रेक कर सकता हूं। आप देखना ध्यान से, मैं बोल रहा हूं कि सर रूट ऑफ एक्स प्लस वन है, अगर मैं इसमें से रूट एक्स कॉमन ले लूं, अगर मैं इसमें से रूट एक्स कॉमन ले लूं तो मेरे पास यहां से बचेगा रूट एक्स, यहां से चला गया एक्स टू दी पावर वन बाई थ्री और माइनस वन, वन बाई थ्री नहीं 1.5 आ जाएगा ये, यहां से जस्ट देखिएगा इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, ये मेरे पास आ जाएगा रूट ऑफ एक्स का होल क्यूब और माइनस आ जाएगा वन, करेक्ट। फिर मैं यहां से जस्ट आगे बात करूंगा डिवाइडेड बाई, मैं इसमें से भी रूट एक्स कॉमन लिए ले रहा हूं और जब रूट एक्स कॉमन लूंगा तो वन प्लस रूट एक्स और प्लस बेटा आपके पास कितना आ जाएगा एक्स आ जाएगा, ये वाली कहानी ऐसे आ जाएगी, करेक्ट। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग है ना। अब देखो यहां से क्या इससे हार्ड लेवल के आते हैं, देखो मैं तुम्हें यहां से जस्ट बेसिक पे बात कर रहा हूं, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, कुछ क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रल से आते हैं और कुछ क्वेश्चन आपके एरिया ऑफ द इंटीग्रेशन से आते हैं, ठीक है। यही क्वेश्चन है, अभी मैं आपको प्रीवियस ईयर दिखाऊंगा तो आप यहां से जस्ट देख लेना, ठीक है। अच्छा अब मेरी बात सुनो, मैंने यहां से जस्ट बोला कि पहले यहां से रूट ऑफ एक्स प्लस वन हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहां से रूट एक्स उड़ा दो, ये हमारे पास इंटीग्रेशन आएगा रूट ऑफ एक्स प्लस वन। जरा मुझे बताओ, मैं तो इसी को पूछ रहा हूं, मुझे इसी का ही आंसर दे दो, है ना। जैसे होता है कि नहीं सर इतने आसान आते हैं या हार्ड लेवल के आते हैं, तो तुम आसान तो आंसर करो ना जल्दी से, आसान का भी तो आंसर नहीं कर रहे हो, ये भी तो बात है सर, पहले हार्ड करवा दो बाद में आसान वाली तो बात है, आसान तो छोड़ दो सर, है ना। यहां से देखो अब मैं क्या कह रहा हूं, ये a माइनस बी का ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, तो इसको जरा a माइनस बी कॉमन ले लो, आपको यहां से रूट ऑफ एक्स माइनस वन दिखेगा और यहां से कितना दिखेगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो रूट ऑफ एक्स प्लस वन और प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, प्लस का एक्स आ जाएगा, डिवाइडेड बाई आपके पास वन प्लस रूट एक्स और बेटा आपके पास यहां से वन प्लस रूट एक्स प्लस एक्स बचेगा, बस हो गया क्वेश्चन आपका।
अभी मेरे ख्याल से सारे के सारे कर लेंगे, हो गया, प्लस एक्स बचेगा, इसको हटा दीजिए यहां से, और यहां से डीएक्स, ये एक्स माइनस वन बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स माइनस वन बचेगा और डीएक्स बचेगा। क्या मैं इसको लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस एक्स प्लस सी, करेक्ट है क्या? देख मैच कराओ, आप लोग मैच कराओ जरा एक बार जल्दी से, क्या आ गया आपका? चलो सही है, एकदम से करेक्ट, मैच कराओ मेरे साथ, करना है, ऐसा नहीं करना है कि कुछ भी सर हम यहां से कुछ कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक दिया गया, हमारे पास, मैं थोड़ा सा जस्ट जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि ये आसान वाला पार्ट है, एक्स स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स, एक ये इस टाइप से दिया गया है, और इंटू सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई आपके पास यहां से वन प्लस एक्स स्क्वायर दिया गया, वन प्लस एक्स स्क्वायर दिया गया, ये वाला यहां से दिया गया। आप जरा यहां से ध्यान से देखो, और क्या करना है इसका सर, इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इंटीग्रेशन करना है एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस माइनस एक्स, यस यस रोहित तिवारी ने दिया, बाकी लोग जल्दी से बताएं, आसान सा क्वेश्चन है, मेरे साथ करना है, मेरे साथ करना है, आपको कुछ भी मतलब ऐसा नहीं, थोड़ा सा जस्ट मैं दो मिनट का टाइम दे रहा हूं ताकि आप सोच लें कि हाँ सर इसमें करना क्या है, इसमें करना क्या है। ठीक है, मैच करा लेना, मैच कराते जाना कि हाँ सर कुछ मिस्टेक नहीं हो रही, बस बस मिस्टेक नहीं होनी चाहिए आपकी। चलिए तो हम क्या करेंगे बच्चे, यहां पे मुझे पता है ये sec square x है, ये 1 by cos square x हो जाएगा, तो मैं यहां से एक काम कर लेता हूं, इसको ब्रेक करता हूं, है ना, क्योंकि मुझे मल्टीप्लीकेशन डिवाइड से ज्यादा ब्रेक करने में मजा आता है। तो ये बेटा हमारे पास 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, करेक्ट है क्या? नहीं सर, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्यों आएगा सर, 1 माइनस आएगा, यस, तो हमें अच्छे से पता है सर ये हमारे पास कितना आएगा, 1 माइनस आ जाएगा। चलिए यहां से नेक्स्ट, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई बेटा हमारे पास यहां से 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहां से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, करेक्ट। मैंने बोला कि डिवाइड कर दो इसको जरा, डिवाइड कर दो इसको जरा जल्दी से, यहां से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा, 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा, और माइनस ऑफ 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, करेक्ट, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। दोनों में सर dx ले लीजिए, दोनों में dx ले लीजिए, यहां से जस्ट देखोगे तो आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि सर ये इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x आ गया, और ये इंटीग्रेशन ऑफ यहां से 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, dx आ गया। क्या मैं सॉल्व कर सकता हूं इसको? यस yes, ये आपके पास आ जाएगा 10x, और माइनस ये कितना आ जाएगा, tan इनवर्स x। जल्दी से बताएं क्या ये सही है आपका, 10x माइनस का tan इनवर्स x, यस 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 पीयूष ने बता दिया एकदम से, cos t इज इक्वल टू पुट टी पुट कर दो, sec को cos में चेंज कर लो, ऐसा कुछ कर लो, तो आपकी मर्जी है आप कैसे करना चाह रहे, डिपेंड के हमारे दिमाग में उस टाइम पे क्या आया, हमारा आंसर जो है वो करेक्ट आना चाहिए। ठीक है, अच्छा अगर हम और थोड़ा सा इसी ट्रिग्नोमेट्रिक वाले पे जाओ, तो मैंने अभी ट्रिग्नोमेट्रिक के आपको कई टर्म बताए, तो एक वाला एक क्वेश्चन जरा मुझे आप लोग बताएं, ये 1 प्लस cos स्क्वायर x और डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos 2x, इस टाइप से कुछ दिया गया है, इंटीग्रेशन करना है dx के साथ। ठीक है, जल्दी से बताइए कितना आएगा इसका आंसर, जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं, फास्ट एकदम से। एक लाइन का आंसर है, एक लाइन में आना चाहिए। ठीक है, करेंगे, करिए, यहां से ब्रेक करो जरा, ब्रेक करो, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और डिवाइडेड बाई 1 प्लस ये कितना आ जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 डीएक्स है सर, ये हटा दो यहां से, उड़ा दो, 1 बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई 2 बाहर ले लो, sec स्क्वायर एक्स आ जाएगा, sec स्क्वायर एक्स, और प्लस यहां से कितना आ जाएगा बेटा, 1 बाई 2 का इंटीग्रेशन इंटू dx आ जाएगा, करेक्ट, ऐसे आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 1 बाई 2 10x
और प्लस 1/2x प्लस सी, क्या सही है? क्या सही है? 10x प्लस सी आ रहा है क्या? 10x प्लस सी आ रहा है क्या? जरा देखो यहां से जल्दी से बताओ, 10x प्लस सी आ रहा है क्या? करेक्ट है? यस yes, अभी सही है, अभी सही है। चैतन्य ने बताया है, बिल्कुल सही, चैतन्य ने बिल्कुल सही बताया। एक और क्वेश्चन जरा जल्दी से फास्ट एकदम से करना है ना। एक और क्वेश्चन जरा बताओ, यहां से जैसे उसने दिया इस टाइप से, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स डीएक्स, इंटीग्रेट करो जल्दी जल्दी से, मेरे साथ आपका आंसर आ जाना चाहिए। करेक्ट? हाँ, अभी कई लोगों ने सही दे दिया। 10x by 2 plus x आएगा या plus x by 2 आएगा? रोहित तिवारी जरा एक बार चेक करो, पिछला वाला क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि कई लोगों का कुछ, देखो ये 1 by 2 था ना, तो 1 by 2 से सबसे डिवाइड होगा ना बच्चे, 1 by 2 तो सब में डिवाइड होगा। हाँ अभी सही है, बिमलेंद्र ने बिल्कुल सही दिया, 10x plus x by 2 plus c। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से बताएं। ये सही है क्या? इसको क्या लिख सकते हैं हम? ये हमारे पास क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई, क्या मैं इसको लिख सकता हूं, cosec स्क्वायर एक्स, और ये कितना आ जाएगा, dx। करेक्ट है क्या? और sec स्क्वायर एक्स मतलब कितना आ जाएगा बच्चे, 1 बाई कॉस स्क्वायर और 1 बाई साइन, साइन बाई कॉस, तो ये टेन स्क्वायर एक्स आ रहा है क्या dx। जरा देखो यहां से सही है क्या? हाँ, टेन एक्स माइनस एक्स, क्वेश्चन सर रोहित तिवारी, मैंने क्वेश्चन दे दिया बच्चे, क्वेश्चन जरा ध्यान से देखो सर, ये तो एकदम से टेन स्क्वायर एक्स ऐसे आ गया, इसको क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, sec स्क्वायर एक्स माइनस वन इंटू dx। लो हो गया क्वेश्चन, ये कितना आ गया, टेन एक्स माइनस एक्स प्लस सी आंसर आ गया। क्या मैच करो जल्दी से, सही है सर? सही है, टेन एक्स माइनस एक्स प्लस सी, बिल्कुल सही एकदम से, बिल्कुल सही एकदम से। अब मेरा एक क्वेश्चन है जो आपको करना है, ठीक है, अब मेरा एक क्वेश्चन है जो आपको करना है। क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है, मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन, उसने यहां से बोला है इफ, आपको यहां से बोला इफ साइन एक्स डिवाइडेड बाई, यहां से बोला है साइन ऑफ एक्स माइनस अल्फा, साइन एक्स डिवाइडेड बाई साइन ऑफ एक्स माइनस अल्फा डीएक्स, इंटीग्रेशन दे रखा है, इट इज इक्वल टू, उसने यहां से आपको समझाया है, इट इज ए एक्स प्लस, उसने यहां से बोला है बी एल एन, और यहां से बोला साइन ऑफ एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस अल्फा प्लस सी दे रखा है, ठीक है, यहां से उसने बी एल एन साइन एक्स माइनस अल्फा प्लस सी दे रखा है। उसने आपसे ए की वैल्यू पूछी है और उसने आपसे बी की वैल्यू पूछी है, जल्दी से बताइए, विजिबल ना हो तो बता देना है ना। ये साइन ऑफ एक्स माइनस अल्फा लिखा है बेटा, मैं प्रॉपर लिख देता हूं, ये बी, एलन साइन ऑफ एक्स माइनस अल्फा, ठीक है, बी एल एन साइन ऑफ एक्स माइनस अल्फा प्लस सी है ना, प्लस सी आपका अंडरस्टूड है, आप यहां से ध्यान रखिएगा। चलिए अन अकेडमी पे सी लिख देता हूं, आप ए और बी की वैल्यू बताइए।
और बी की वैल्यू बताइए जल्दी से। यस बिल्कुल सही, पीयूष कुमार ने बता दिया ए कॉस अल्फा है और बी साइन अल्फा है। अल्फा लिखने की इतनी जरूरत नहीं है यार, ए बी से भी लिख देते मैं समझ जाता है ना, इतना मेहनत मत किया करो बेटा। हमारे पास आसान है, मैं इसको जस्ट ब्रेक करना चाहूंगा, ऑब्वियसली ये x माइनस अल्फा है तो मैं इसको ब्रेक करना चाहूंगा साइन ऑफ, कैसे करूंगा इंटीग्रेशन में मैं ऐसे लिख देता हूं x माइनस अल्फा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई साइन ऑफ x माइनस अल्फा इंटू डीएक्स। ये कितना आ जाएगा साइन ऑफ a प्लस बी, साइन a प्लस बी यहां से कितना आ जाएगा साइन a कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी डिवाइडेड बाई यहां से साइन ऑफ एक्स माइनस अल्फा है यहां से कॉस ए साइन बी है। I'm sorry, मैं कॉस ए साइन बी है, कॉस एक्स माइनस अल्फा और साइन अल्फा करेक्ट, यहां से साइन एक्स माइनस अल्फा। जरा सॉल्व करो इसको जल्दी से, इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स जरा इंटीग्रेट करके बताओ कितना आ रहा है। पीयूष कुमार ने बताया केवल बाकी लोगों से मुझे आंसर चाहिए, पीयूष कुमार ने बताया बाकी लोगों से मुझे आंसर चाहिए। रोहित तिवारी ने बताया कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, यस। अब मुझे यहां से जरा एक बार बताओ, मैं इसको ब्रेक करूंगा तो मेरे पास यहां से दिख जाएगा, मेरे पास आ जाएगा कॉस अल्फा प्लस कॉस बाई साइन कितना आ जाएगा कॉट अल्फा और इनटू आ जाएगा साइन अल्फा करेक्ट, इनटू आ जाएगा साइन अल्फा और यहां से कॉट एक्स माइनस अल्फा आएगा, कॉट ऑफ एक्स माइनस अल्फा आएगा cot of x माइनस अल्फा साइन अल्फा। इंटीग्रेट कर दो यहां से, जरा इंटीग्रेट कर दो यहां से और जल्दी से मुझे बताओ अभी कितना आएगा। अगर मैं यहां से cos अल्फा को करूंगा तो ये तो मेरा डायरेक्टली x साइन अल्फा आ जाएगा, क्या सही है? अगर मैं यहां से जस्ट देखूंगा तो ये मेरे पास cos अल्फा की जगह पे कितना आ जाएगा सर, साइन अल्फा आ जाएगा? नहीं सर, cos अल्फा तो ऐसे ही रहेगा, x और साथ में आ जाएगा cot अल्फा इंटू साइन अल्फा, cot x माइनस अल्फा इंटू साइन अल्फा कितना आएगा? हाँ, a इज इक्वल टू आ गया, b इज इक्वल टू आ गया, करेक्ट, सबने कर लिया क्या? मुझे बस यहां से अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो मैं ऑब्वियसली ये चीज जानता हूं कि सर मुझे कुछ पुट करना पड़ेगा। अब मुझे जल्दी से बताओ कि मुझे इसमें पुट क्या करना पड़ेगा, मैं कुछ यहां पे लेट कर सकता हूं क्या, क्योंकि इंटीग्रेट तो करना ही है ऑब्वियसली, और अगर इंटीग्रेट करना है तो कॉटेक्स का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो कॉटेक्स का इंटीग्रेशन कितना आता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो बट सर माइनस वाला तो काम करना नहीं है मुझे, यहां एलएन में चाहिए। हाँ, बस साइन ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लगाना। यस, ए इज इक्वल टू आपका आ जाएगा कॉस अल्फा, ए तो आपका क्लियर हो गया सर, ए इज इक्वल टू कॉस अल्फा, मुझे बी का इश्यू है केवल, मुझे बी का इश्यू है। तो मैं यहां से क्या कह रहा हूं कि अगर मैं कुछ लेट कर लेता हूं, लेट सपोज हमने यहां से जस्ट बोला कि सर कुछ लेट करना है, यहां से कॉट अल्फा इज इक्वल टू कुछ कॉट एक्स पर इज इक्वल टू पुट कर सकते हैं क्या? अगर मैं यहां से कुछ पुट कर दूं, कॉटेक्स को कुछ पुट कर सकते हैं क्या? जल्दी से बताएं। आपने एक्स के रेस्पेक्ट में डेराइव कर दिया, कोई बात नहीं, आप डेराइव करेंगे, आप यहां से डेराइव करेंगे तो डेराइव भी कर सकते हैं, एक्स के रेस्पेक्ट में आप यहां से डेराइव कर सकते हैं। मुझे जल्दी से बताएं जरा कितना आएगा, हमें एलएन लाना है सर, एक्स माइनस अल्फा इज इक्वल टू टी पुट कर देते हैं। चलो एक्स माइनस अल्फा इज इक्वल टू हमने सर बोला कि सर हम यहां पर टी पुट कर देते हैं, अगर मैं x माइनस अल्फा इज इक्वल टू टी पुट करूंगा तो मेरे पास ये cot इज इक्वल टू कितना आएगा, cot x माइनस अल्फा इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर ना, cot अल्फा का इंटीग्रेशन, cot अल्फा का इंटीग्रेशन, क्या मैं इसको लिख सकता हूं सर ln ऑफ साइन अल्फा आएगा cot x का, ln साइन x आएगा क्या, ln साइन x आएगा, या ऐसा कर देते हैं
कि सर पीछे ले लेते हैं थोड़ा सा, है ना, पीछे ले लेते हैं, यहाँ पे हौज पौज हो जाएगा। सर मैं यहां से आगे जा रहा हूं, मैंने जस्ट बोला कि सर मुझे x माइनस अल्फा इज इक्वल टू टी पुट करना है। अरे यार कुछ हो ही नहीं रहा यहां पे पेन का। मैं यहां से बोलूंगा सर मुझे x माइनस अल्फा इज इक्वल टू टी पुट करना है, तो अगर हम यहां से जस्ट देखेंगे तो dx इज इक्वल टू, बेटा हमारे पास कितना आ जाएगा, dx डिवाइड बाई dt। अगर हम यहां से जस्ट देखेंगे तो dx इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, dt आ जाएगा, करेक्ट। तो हम यहां से पुट कर देते हैं, हमारे पास कितना था, इंटीग्रेशन ऑफ cot ऑफ x माइनस अल्फा, और यहां से था sin अल्फा, और यहां से था हमारे पास dt। जरा बताओ मुझे यहां से, सर ये cot t और इनटू हमारे पास आ गया dt और आ गया sin अल्फा dt। अरे फिर क्या करेंगे, अरे फिर तो सर हम फंस गए यहां से, फिर तो सर हम फंस गए। अच्छा मैं अगर इसको डायरेक्टली करना चाहूं, तो क्या मैं इसको डायरेक्टली भी कर सकता हूं कहीं ना कहीं से कुछ ऐसा करके कि मैं सर डायरेक्टली सीधा सीधा आ जाए। मैं कुछ डायरेक्टली कर सकता हूं क्या, अगर मेरे पास सर कुछ ऐसा कॉटेक्स आ जा रहा है तो कॉटेक्स को मैं डायरेक्टली क्या कर सकता हूं। मैंने बोला कि सर देखो ऐसा है, आप अगर डायरेक्टली कॉस टी डिवाइडेड बाई साइन टी करोगे तो आप क्लियरली यहां से समझ सकते हो कि सर देखो आपको कुछ नहीं करना था, आप यहां से जस्ट इतना कर लेते कि साइन टी इज इक्वल टू, आप यहां से कुछ पुट कर लो, लेट सपोज हमने साइन टी इज इक्वल टू पुट कर लिया, आप डायरेक्टली यहां से ऐसे रख दे ना, मैं यहीं से कर रहा हूं, है ना। मैंने बोला कि इतना लंबा करने की जरूरत नहीं थी, आप डायरेक्टली यहां से कॉस और साइन को डायरेक्टली पुट कर देते। कैसे, देखो ऐसे हमारे पास फंक्शन क्या था, हमारे पास सर फंक्शन ये था, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट ऑफ एक्स माइनस अल्फा साइन अल्फा और डीएक्स, ठीक है सर। आप बोलोगे सर देखो ऐसा है, इंटीग्रेट कर दो यहां से और इसको पहले ब्रेक कर लो, कॉस ऑफ एक्स माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई साइन ऑफ एक्स माइनस अल्फा, और यहां से आ गया सर साइन अल्फा। चलो आप यहां से क्या करोगे, सर साइन ऑफ एक्स माइनस अल्फा को डायरेक्टली आप टी क्यों नहीं पुट कर रहे हो, मैंने बोला चलो कर लेते हैं। ये हमारे पास कितना आ जाएगा, कॉस ऑफ एक्स माइनस अल्फा इंटू डीएक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, dt आ जाएगा। मेरे पास इंटीग्रेशन में कितना आ जाएगा बच्चे, dt by t और sin अल्फा, आप यहां से डायरेक्टली इंटीग्रेट करेंगे, आपके पास यहां से ln t sin अल्फा आ जाएगा, बस हो गया ब्रेक। इतना सब टेंशन लेने की क्या जरूरत है सर, ठीक है। बाहर यहां से देखो, अरे sin अल्फा कांस्टेंट है, बाहर रखो ना रखो उसे क्या ही फर्क पड़ रहा है। अब हम यहां से जस्ट वैल्यू रख लेते हैं, हमारे पास क्या क्या फंक्शन था, हमने बोला सर a is equal to कितना था, जरा निकालो यहां से, x cos अल्फा आ रहा था, देख लीजिए x cos अल्फा आ रहा, प्लस हमारे पास बेटा यहां से कितना आ रहा था, sin अल्फा और cot x माइनस अल्फा, ये हमारे पास यहां से ln ऑफ t की जगह पे क्या था, हमारे पास sin ऑफ x माइनस अल्फा, ln sin ऑफ x माइनस अल्फा, ठीक है, और यहां से था sin अल्फा, बस हो गया। अब आपका यहां से ये बेटा आपके पास a आ गया और ये आपका b आ गया, कर पाओगे, हो गया खत्म क्वेश्चन, ठीक है कर पाओगे। अच्छा यहां से पता चला कि सर हमें कुछ सब्स्टिट्यूशन वाला भी ऐसा कुछ पार्ट आता है तो कुछ सब्स्टिट्यूशन पे कर लेते हैं। बेटा ये क्वेश्चन क्लियर है ना सबको, क्वेश्चन क्लियर है ना, कोई डाउट हो तो मुझे अभी बता दो, सी आपका साथ में आ जाएगा, दैट इज ओके, सी के लिए कंफ्यूज मत होना कि सर सी कहां चला गया। मेरे ख्याल से काफी लोगों ने कर लिया था, रोहित तिवारी ने कर लिया था, बिमलेन ने कर लिया था, और चैतन्य ने कर लिया था, और बस तीन चार लोगों ने किया, संदीप ने कर लिया था, पीयूष ने नहीं, पीयूष ने नहीं किया था, पीयूष ने पिछले वाले का आंसर दिया था। ये क्वेश्चन क्लियर है कि बेटा कुछ नहीं है, आपको कॉट के टर्म में जब भी मिल रहा है तो कॉट की जगह पे आप डायरेक्टली एलन ऑफ कितना रख सकते हैं, साइन रखते हैं, ठीक है। अच्छा अब हम आते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सर इसका मतलब कुछ ना कुछ पुट करने वाली कहानी आती है और वो पुट करने वाली कहानी हमें पता होनी चाहिए और हमारा काम हो जाएगा। जरा मुझे इसका क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बताओ, कॉस ऑफ एलन एक्स डिवाइड बाई एक्स इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स, ठीक है, यस, कॉस ऑफ एलन एक्स, यहां से जस्ट बता रखा बच्चे, बाई एक्स डीएक्स,
मैं कल आपको दे दूंगा सारे के सारे, किस पे क्या पुट करना, वैसे जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी अगर हो जाए, हो जाएगा बच्चे, जल्दी से बताओ इसको, बताओ जल्दी से, मेरे साथ करोगे ऑब्वियसली, मेरे साथ करोगे तो आप यहां से LNX को कुछ ना कुछ रखोगे जरूर, क्योंकि मैं तो पुट करूंगा। कोई बात नहीं LN, देखो X माइनस अल्फा इज इक्वल टू, अगर T पुट करोगे तो बस एक स्टेप बढ़ जाएगा, बस इट डिपेंड कि हमारे दिमाग में उस टाइम पे क्या आता है, दैट्स इट। अगर हम यहां से जस्ट बात करें, मैंने आपको दोनों तरीके से जस्ट करने की कोशिश की, मैंने पहले X माइनस अल्फा रखा, फिर मैंने सोचा कि डायरेक्टली अगर रख देते हैं तो फिर सीधा सीधा हो जाएगा, दैट्स इट। अच्छा यहां तो क्लियर है ना, यहां तो क्लियर है ना, LN X इज इक्वल टू कितना आएगा, T आएगा, तो 1 बाई X dx is equal to कितना आ जाएगा, dt आ जाएगा, पुट कर दो तो इंटीग्रेशन ऑफ आपके पास कितना मिलेगा, cos t, और यहां से कितना मिल जाएगा, dt, यहां से dt मिल जाएगा, तो cos t की जगह पे क्या जाएगा आपके पास, sin of ln x और प्लस कितना आ जाएगा c, करेक्ट है क्या, sin of ln x। देखो राहुल ने आंसर दे दिया, मयूर ने आंसर दे दिया, ये क्वेश्चन का सबने आंसर दे दिया एकदम से, बस इसी तेजी के साथ आंसर आना चाहिए, इसी तेजी के साथ आंसर आना चाहिए। इसी बात पे जरा एक बहुत आसान क्वेश्चन, एकदम से आसान, मतलब देखते ही एकदम से लार टपक जाए आपकी, ये उसने दिया है एक्स क्यू डी एक्स डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स टू दी पावर, उसने यहां से दे रखा है एट इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन वन प्लस एक्स टू दी पावर एट इंटू डी एक्स, ये उसने दे रखा है। देखो तो जल्दी से बताओ, बूझो तो जाने वाला हाल है, जल्दी से बताएं, फास्ट बताएं, क्या पुट करेंगे बेटा, क्या पुट करेंगे, जल्दी से मुझे ये कंफर्म करें कि हम क्या पुट करने वाले हैं इसमें। वन बाई फोर टेन इनवर्स एक्स, यस। देखो तो आपने क्या पुट किया होगा, मेरे ख्याल से ऐसे पुट किया क्या, x टू दी पावर 4 इज इक्वल टू t, तो मतलब 4x क्यूब इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, dx इज इक्वल टू dt, हो गया सर काम, यहां से x क्यूब dx इज इक्वल टू निकाला तो dt बाई 4 आ गया, तो यहां से इंटीग्रेशन ऑफ dt डिवाइडेड बाई 1 प्लस t स्क्वायर, ये आ गया, और यहां से 1 बाई 4 आगे आ गया, तो 1 बाई 4 टेन इनवर्स ऑफ कितना आ गया, x टू दी पावर 4 प्लस c, खत्म। खत्म, फिनिश, उड़ा दो। x स्क्वायर इज इक्वल टू t पुट किया है मयूर ने, एक बार और पुट करना पड़ेगा आपको अगर ऐसा करोगे तो, ठीक है, एक बार और पुट करना पड़ेगा अगर ऐसा कुछ करोगे तो, क्या सही है ये, देखो मैंने गलत तो नहीं कर दिया, देखो मैंने कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी। चलो एक और क्वेश्चन जरा बताओ, एक और क्वेश्चन बताओ, यहां से उसने जस्ट बेटा ऐसे दिया है इंटीग्रेशन ऑफ ln x प्लस रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर और डिवाइडेड बाय हमारे पास रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर, कुछ इस टाइप से दिया है उसने, और यहां से उसने जस्ट बोला है dx। हाँ, मैंने कुछ गलत किया हो तो मुझे बताना, इस सैटरडे हम लोग इंटीग्रेशन वाला पार्ट फिनिश करेंगे और मंडे से आपका डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, मंडे से आपका डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट हो रहा है, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, 4 नंबर का टॉपिक आता है ना, और छोटा सा टॉपिक है, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, तो आपको स्टार्ट करना है और उसको जल्दी से फिनिश करना है। बताइए,
इसमें तो मेरे ख्याल से रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर को ही पुट कर लेंगे, मुझे पता नहीं है यार, एक बार बताना जरा, रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर को पुट कर सकते हैं क्या हम लोग? अगर मैं यहां से जैसे ऐसे पुट कर दूं रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स, तो क्या हो जाएगा मुझसे? जरा एक बार देख के बताओ। यस रोहित तिवारी ने बहुत फास्ट, यस तो बेटा ये हम यहां से जस्ट बात कर रहे थे कि सर अगर मैं यहां से रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर की बात करें, इसको अगर मैं टी पुट कर लेता हूं तो वन बाई टू रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, करेक्ट है क्या? वन प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा और ये हमारे पास डीएक्स आ जाएगा, इट इज इक्वल टू हमारे पास यहां से डी टी आ जाएगा, करेक्ट। तो मैं यहां से जस्ट देखूंगा तो मेरे पास इंटीग्रेशन में बचेगा कितना आ जाएगा, ये ln x 2x by आएगा क्या? जल्दी से यहां से 2x by आएगा, एक आंसर किस किस ने किया है मेरे पास, 1 by 2 1 plus x square plus x plus c, 1 plus x square को पुट करो टी, गुड। और अगर मैं डायरेक्टली रूट को पुट कर लूं तो नहीं आएगा क्या? यस कितना आ रहा है? तो बच्चे अगर मैं यहां से जस्ट पुट करता हूं एक मिनट क्वेश्चन थोड़ा सा, हां मैं यहां से पुट कर लेता हूं वन प्लस एक्स स्क्वायर, इसको हमने सर टी पुट कर लिया, अच्छा तो फिर हमारे पास कितना आ जाएगा सर? टू एक्स डीएक्स इज इक्वल टू डी टू, इससे कुछ निकल रहा है क्या? ना 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 आ जाएगा 2x भी आएगा, इससे नहीं आएगा सर, इससे नहीं आएगा। मतलब हम यहां से क्या कर सकते हैं, अगर मैं यहां से जस्ट ब्रेक करूं तो मैं इसको पहले ब्रेक करूंगा, अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा पहले तो मुझे यह चीज बताओ। मैं यहां से इसको ब्रेक करना चाह रहा हूं, यह आएगा ln x डिवाइडेड बाई रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस हमारे पास यहां से बन जाएगा वन। अभी हमें यहां से जस्ट इसी को सॉल्व करना है, अभी हमें जस्ट इसी को सॉल्व करना है, तो इससे कुछ हो सकता है क्या? कोई पॉसिबिलिटी है क्या? 2x भी आएगा, दैट इज ओके। देखो ना यहां से मैंने कुछ नहीं किया, मैंने यहां से जस्ट इसको ऐसे ब्रेक कर दिया। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे सर यहां से जस्ट दो फंक्शन है, एक हमारे पास ln x है और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर का हमारे पास जो भी है, तो इसका कोई और रास्ता है क्या? अगर मैं यहां से ऐसे ही करूं ln x इनटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेस टू दी पावर माइनस 1 बाई टू, इसके अलावा कोई रास्ता है क्या इसका? और इंटीग्रेशन प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dx, इसके अलावा कोई रास्ता है कि हम इसको और कोई तरीके से कर सकते हैं? x को बटे में भेजो, अच्छा रोहित तिवारी कह रहे हैं कि x को बटे में भेजो तो log x का डेरिवेटिव है राइट साइड वाला एक हो जाएगा। कौन से x को मैं बटे में भेज दूं? मैं मुझे ऐसा लग रहा है कि हम डायरेक्टली यहां से ऐसे सर कर सकते हैं, और या फिर हम ऐसे करें कि रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर को हम यहां से सर पुट कर लें और ये हमारे पास यहां से लेट सपोज t आ गया तो वन बाई टू रूट यहां से कितना आ जाएगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर, चलो मैं आप जो जस्ट जो बोल रहे हो ये आ जाएगा। और सर हमारे पास और क्या आएगा? मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो जब डिफरेंशिएट करूंगा तो ये हमारे पास यहां से 2x भी आएगा क्या साथ में? यस और ये आ जाएगा dx, इट इज इक्वल टू हमारे पास यहां से कितना आ जाएगा dt। क्या ये मैंने सही किया इंटीग्रेशन? ठीक है, क्या मैंने ये सही किया है यहां से इंटीग्रेशन? अगर मैं यहां से जस्ट देखूं तो मेरे पास 1 बाई टू रूट ऑफ ये आ जाएगा और ये वाला पार्ट मेरे पास ऐसे आ जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, ये डिफरेंशिएशन है तो हमने यहां से डायरेक्टली इसको इंटीग्रेट किया और अब मुझे क्या चाहिए? केवल
अगर मैं देखूं तो मेरे पास यहां से 2x into dx, x dx is equal to हमारे पास, मेरे पास है क्या, मेरे पास ये वाला टर्म है, that is dx by 1 plus x square. तो मेरे पास यहां से dx by 1 plus x square है अंडर रूट का, it is equal to dt by x है, करेक्ट, यही तो है ना. अच्छा, अगर मैं रिप्लेस भी कर देता हूं तो रिप्लेस करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ, मैं यहां से जस्ट बोल रहा हूं कि सर dt, और ये हमारे पास यहां से सर ln x, लेकिन इसको तो नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, लेकिन इसको तो नहीं सॉल्व कर पा रहे, इसके लिए क्या करेंगे. अरे देखो ना, यहां से मैं आपकी, रोहित मैं आपकी बात मान के मैंने चलो आपको बटे में भेज दिया, ये dx by t आ गया, मैंने रिप्लेस कर दिया, dt by x आ गया, मैंने रिप्लेस कर दिया, ठीक है. अच्छा, ln of x root यहां से 1 plus x square है, हाँ ठीक है, ये तो हमने कर लिया, ये तो हमने कर लिया बच्चे, प्लस सी, ठीक है. चलो चलो, यहां से ना बेटा, आपको अगर मैं डायरेक्टली यहां से जस्ट देखूंगा तो आपके पास डायरेक्टली यही है कि सर दोनों को एक काम करो, डिफरेंशिएट कर दो, एल एन एक्स और इनको डायरेक्टली दोनों का मल्टीप्लिकेशन डिफरेंशिएट कर दो, और तो हमें कुछ नहीं मिलना. अच्छा, अगर यही क्वेश्चन, ठीक है, अभी इसमें क्या ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रखने पड़ेंगे, जैसे मिमलेन ने बोला कि सर इसको यहां से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रखने पड़ेंगे, नहीं तो कॉम्प्लिकेट होता जाएगा. अगर यही क्वेश्चन हमारे पास ऐसे हो जाता, अगर यही क्वेश्चन हमारे पास ऐसे हो जाता, अरे रुक जाओ कहां गया, अगर ये क्वेश्चन मेरे पास ऐसे हो जाता, अभी क्या आता आंसर, अगर मैं डायरेक्टली यहां से ब्रैकेट ले लेता, एक्स प्लस रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर, यस ये वाला लगेगा. अगर हम डायरेक्टली यहां से ऐसा है ना, तो आपको कुछ नहीं, इससे ये डिवाइड करना है, इससे ये डिवाइड करना है, दो का मल्टीप्लिकेशन वाला फंडा लगेगा, या फिर x इज इक्वल टू आप यहां से जब sin t पुट करेंगे तो फिर उसके थ्रो करेंगे 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा निकल के आएगा बाहर, ठीक है, तब भी आपको यहां से मल्टीप्लिकेशन वाला लगाना पड़ेगा. तो इस वजह से अगर ये वाला क्वेश्चन आपका ऐसे होता तो क्या आता आंसर, बता सकता है कोई बच्चा मुझे, ठीक है. तो पिछला वाला जो क्वेश्चन है इसका कुछ नहीं है, केवल इंटीग्रेशन आपको मल्टीप्लिकेशन से करना, सिंपल जैसा होता है. अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता तो क्या मैं इसमें कुछ पुट करता, हाँ कोई बात नहीं, उसको छोड़ो, उसको छोड़ो, पहले इसको करो ना, इसको जो बोल रहा हूं वो करो. अगर ये ऐसे आ जाता तो क्या हम देख के बता सकते हैं सर अब हमें कुछ पुट करना था, अब कुछ नहीं है सर, अब कुछ नहीं है, इसको अगर हम जस्ट देखें तो सर इसको कुछ नहीं है, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि सर एक्स प्लस रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर को मैं यहां से टी पुट कर लेता, ये सही था क्या. तो मेरे पास यहां से वन प्लस कितना आ जाता बच्चे, जरा बताओ, नहीं इसको ना पुट करते सर, इसको नहीं, मजा तो तब आता ना जब हम यहां से एलन को ही पुट कर लेते टी. अगर मैं एलन को पुट करता ना तो मुझे डायरेक्टली पता क्या दिखता, वन बाय यहां से वन बाय रूट ऑफ यहां से एक्स प्लस कितना आ जाता बच्चे, वन प्लस एक्स स्क्वायर, कुछ ऐसे करते. जरा जल्दी से बताओ मुझे करके एक बार, है ना, बड़ा क्वेश्चन को मैं देखते समझना चाह रहा हूं कि हाँ कैसे होगा सर, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं चाह रहा हूं कि आप लोग इसको एक बार करके दिखाएं मुझे. बहुत आसान सा क्वेश्चन निकलेगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन निकलेगा. अभिषेक कुमार ने बता दिया रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी आ जाएगा सर आंसर, अभिषेक कुमार ने आंसर बता दिया, बाकी लोग भी मुझे बताएं. चलो मैं कर रहा हूं मेरे साथ करना, है ना, मैं कर रहा हूं मेरे साथ करना. मैं क्या कह रहा हूं, मैं रूट ऑफ यहां से जस्ट रखना चाह रहा हूं, ये मेरे पास यहां से फंडा आ रहा है, देखिएगा मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मेरे पास क्या है ln of x plus root of 1 plus x square है, इसको सर मैं t put कर रहा हूं, ठीक है. तो ये कितना आ जाएगा सर, डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, ln का डिफरेंशिएशन 1 by x plus root of 1 plus x square, करेक्ट है क्या, ये वाला हमारे पास ऐसे आता, फिर हम इसका डिफरेंशिएशन करते तो हमारे पास कितना आ जाता 1 plus, यहां से कितना आ जाता 1 by 2 root 1 plus x square, और बेटा हमारे पास कितना आ जाता इनटू, हमारे पास आ जाता 2x और इनटू आ जाता dx, दैट इज इक्वल टू आ जाता dt, करेक्ट है क्या. अच्छा, आपने यहां से जस्ट बोला कि सर हमारे पास ये वाला पार्ट तो ये फिनिश हो जाता, बस इतना वाला पार्ट हमारे पास आ जाता, तो मतलब मेरे पास यहां से कितना बन रहा है, मेरे पास यहां से डायरेक्टली जो फंडा बन रहा है वो ये बन रहा है, इट इज मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 1 बाई
एक्स प्लस रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस हमारे पास यहां से बन रहा है एक्स बाई कितना आ जाएगा बेटा एक्स प्लस रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर और यहां से कितना बन जा रहा है वन यहां से एक्स बाई वन बाई रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर और यहां से कुछ और हमने यहां से dx इज इक्वल टू रखा dt ठीक है। अब मुझे कुछ नहीं करना बस इसको सॉल्व करना है। रजनीश कुमार ने आंसर दिया है। अब मुझे कुछ नहीं करना बस इसको यहां से सॉल्व करना है। सर अगर मैं dx ऑफ इसको रिप्लेस कर देता हूं तो मेरे पास यहां से कितना टर्म मिलने वाला है वो चीज मुझे यहां से बता दीजिए। अगर मैं इसकी बारे की बात करूं तो सर ये t डिवाइडेड बाई मेरे पास कुछ सिंप्लीफाइड फॉर्म आ रहा है क्या? थोड़ा सा कॉम्प्लीकेट हो रहा है क्वेश्चन, कुछ सिंप्लीफाइड फॉर्म आ रहा है क्या मेरे पास? मेरे ख्याल से कुछ कटना चाहिए। हाँ कट जाएगा अगर मैं यहां से काटने की कोशिश करूं तो कट जाएगा। हाँ कट गया। एक मिनट रुकना बच्चे, मैं काटा नहीं हूं यहां से, कुछ कटना चाहिए। कट गया ये ना, मेरे पास यहां से ऐसे बनेगा। आप लोगों ने शायद कर लिया हो, ये मेरे पास यहां से बनेगा वन बाई एक्स प्लस रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर और इसको जरा यहां से करो तो रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइडेड बाई रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर। ओके आई एम सॉरी कि काट नहीं पा रहा था। यहां से ये फिनिश, आपके पास कितना बचा dx बाई रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर, बस इतना बचा। हो गया बच्चे, हो गया। तो बेटा हमने यहां से क्या बोला कि सर अगर मैं इसको यहां से डायरेक्टली ऐसे पुट कर लूं, तो मुझे यहां से कितनी वैल्यू मिल जाएगी? इट इज नथिंग, इट इज t इंटू dt और ये मिल जाएगा t स्क्वायर बाई टू। जरा मुझे t स्क्वायर कितना है तो मुझे पता है कि सर ln ऑफ 1 प्लस x प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर और यहां से 1 बाई टू इसका होल स्क्वायर। देखो मैच कराओ जरा, आ रहा है क्या? t ln t नहीं आएगा, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है यार, मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर गया था, मैं देखा नहीं वहां पे, मैं डायरेक्टली यहां से ऐसे सॉल्व कर गया। देखो कुछ नहीं है, हमने इसको t पुट किया, t पुट करने के बाद ये x प्लस रूट ऑफ हमने यहां से पुट किया, इसका इंटीग्रेशन हमने यहां से डिफरेंशिएशन किया, डिफरेंशिएशन करने के बाद इसका डिफरेंशिएशन किया तो 1 प्लस ये आ गया आपके पास 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस ये आ गया। जब देखा तो ये वाला पार्ट कट गया और dx बाई रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इट इज इक्वल टू हमारे पास dt आ गया। आसान है बच्चे, आसान है ना? तो अगर आप यहां से ध्यान से देखोगे तो t dt आएगा और कुछ नहीं आएगा। मैच कराओ जरा एक बार, राहुल ने कुछ और आंसर दिया है, बट मेरा आंसर ये आ रहा है और यही आंसर जो है वो आपको मैच कराना। दिस इज ln ऑफ x प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसा होता है ना कि सर ये क्या कर जाते हो कभी कभी? हाँ लिखने में कभी कभी हो जाता है, तो वो मिस्टेक कर गया था मैं, देख नहीं पा रहा था क्या हो रहा है। हुआ बेटा क्लियर? आ गया। राहुल एक बार चेक करो, पीयूष एक बार चेक करो, एलन हाँ पीयूष का सही है, बाकी सब लोगों का आप लोग अपना मैच कराओ। रोहित का कितना आ रहा है? 1 प्लस इसको टी करो तो सर एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट का टी स्क्वायर माइनस 1, तो फंक्शन होता है टी स्क्वायर माइनस 1 बन जाता। ठीक है करो, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होगा, फिर से सेम आ रहा है। ओके करेक्ट, बस इतना सा आंसर है, प्लस आपका सी आ जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक, थोड़ा सा टाइम लगेगा ये क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और जरा यहां से देखो, थोड़ा सा जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुझे बताइए इस क्वेश्चन के बारे में, मेरे साथ ही करेंगे। एक्स स्क्वायर बेटा उसने दिया है टेन इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई, यहां से कितना दिया गया रूट ऑफ वन, यहां से सॉरी वन प्लस एक्स टू द पावर सिक्स, इंटीग्रेशन ऑफ उसने यहां से डीएक्स दे रखा है और बस जल्दी से बताइए कि कितना आएगा। ये मेरे ख्याल से क्वेश्चन देखते ही सारे लोग कर देंगे, उड़ा देंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है रजनीश कुमार, समझ गया मैं, इसका स्क्वायर कर लो रजनीश कुमार, बाकी सब कुछ ओके। एलन का स्क्वायर कर लो, एलन का स्क्वायर नहीं किया, बाकी सब कुछ ओके। जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन को, एक ये क्वेश्चन है, एक और मैं यही लिख देता हूं, है ना? बार बार ये प्रॉब्लम नंबर 2 है, दैट वॉज प्रॉब्लम नंबर 1। ठीक है
बस, और इंटीग्रेशन आपका इनडेफिनेट वाला पार्ट अपना फिनिश, फिर हम स्टार्ट करेंगे डेफिनेट। बस मुझे आपको एक प्रैक्टिस करानी थी, बस मुझे आपको प्रैक्टिस करानी थी, टेन ऑफ रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स डिवाइडेड बाई रूट एक्स, बाकी सब कुछ ओके, इजी हो गया ना? ये इजी हो गया क्या? सर ये तो बहुत ही आसान है, एक्स क्यूब को पुट करो और जय माता दी बोल के सॉल्व करो, ये तो बहुत ही आसान है। जल्दी से बताएं, ये तो सर आसान है ना? अरे ये मेरे साथ करना, मेरे साथ करना, मैं यहां से बोल रहा हूं कि एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी पुट करो, थ्री एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी आ जाएगा। चलो यहां से पुट करो तो आपके पास एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहां से टेन इनवर्स टी आ जाएगा डिवाइडेड बाई वन प्लस टी स्क्वायर आ जाएगा, करेक्ट है क्या? टेन इनवर्स टी डिवाइडेड बाई वन प्लस टी स्क्वायर आ जाएगा और यहां से वन बाई थ्री आ जाएगा, डी टी आ जाएगा। दोबारा से करो जरा, यहां से दोबारा से यहां से टी करो, टेन इनवर्स टी को पुट करोगे, टेन इनवर्स टी को पुट करोगे क्या? यस, टेन इनवर्स एक्स क्यूब ठीक है, ठीक है, करेक्ट करेक्ट, मैं समझ गया, मैं समझ गया। जल्दी से बताओ मुझे फाइनल आंसर बताओ और इससे आगे बढ़ते हैं दूसरे वाले का। अच्छा एक चीज बताओ, थ्री बाई टू टेन इनवर्स एक्स क्यूब बाई टू आ रहा है, एक्स क्यूब का होल स्क्वायर आ रहा है। हाँ थ्री मल्टीप्लाई में है ना, हमने यहां से थ्री लिखा है तो थ्री यहां पे लिख दिया। एक बात बताओ, अगर मैं इसमें टेन इनवर्स एक्स क्यूब को डायरेक्टली टी पुट कर देता तो काम ना होता क्या? हो जाता यार, देखो ना इतना लंबा क्यों सोचना, जब देखो उसने पूरा का पूरा दे रखा है तो उसको एंजॉय करो ना, आप उसको एंजॉय करो। आप बोलोगे सर मैं एक्स क्यूब को टी पुट करना चाह रहा था लेकिन देखते ही देखते मुझे यहां से ये दिखा और मैं टेन इनवर्स एक्स क्यूब को पुट कर गया, टेन इनवर्स एक्स क्यूब को पुट कर गया, ये जरा बताना यहां से वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, आपको दो बार पुट करने का वो नहीं मिलेगा, यहां से एक्स स्क्वायर आ जाएगा तो ये एक्स टू दी पावर सिक्स इंटू जब इसके बारे में करोगे तो थ्री एक्स स्क्वायर और यहां से आ जाएगा डीएक्स, इट इज इक्वल टू आ गया डीटी। ठीक है तो आपके पास आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ टेन इनवर्स, ये पूरा का पूरा आपके पास था तो टी इनटू आ गया बेटा डीटी और डिवाइड बाई थ्री, तो आप यहां से बोलोगे वन बाई थ्री और यहां से कितना आ जाएगा टी स्क्वायर, तो टेन इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, क्या सही है, क्या सही है? डिवाइड बाई सिक्स बोल रहे हैं, रोहित तिवारी बोल रहे हैं कि सिक्स आएगा और हां ठीक है ये सिक्स आ जाएगा, सिक्स आ जाएगा ठीक है, चाहे जैसे करो, चाहे जैसे करो। अच्छा ये वाले में बताओ जरा, इस वाले में क्या पुट करेंगे लास्ट, जल्दी से बताओ फिर मैं कुछ फंडा और दे देता हूं बेसिक वाले और उसके बाद अपना डेफिनेट वाला जो पार्ट है जो है हम लोग लास्ट, और उसके बाद हम लोग सॉरी डेफिनेट वाले पे स्टार्ट करेंगे, इनडेफिनेट वाला पार्ट जो है वो फिनिश हो जाएगा। जल्दी से बताइए इसके बारे में, बताइए ये आंसर सब लोगों का आ गया क्या? वन बाई सिक्स टेन इनवर्स एक्स क्यूब का होल स्क्वायर प्लस सी, यस yes। अब देखो एक बच्चे ने यहां से बोला है कि सर हम रूट एक्स को, देखो मैंने अभी अभी ये क्वेश्चन किया है इसी के रेस्पेक्ट में दूसरा रखा है, आप रूट एक्स क्यों पुट कर रहे हो, आप डायरेक्टली टेन रूट एक्स क्यों नहीं पुट कर रहे हो, टेन रूट एक्स इज इक्वल टू टी पुट करो, अभी अभी तो किया है, यस टेन रूट एक्स जैसे ही करोगे तो आपको यहां से क्या मिलेगा बेटा, आप यहां से बोलोगे सर सेक स्क्वायर रूट एक्स मिल जाएगा और रूट एक्स का कितना हो जाएगा वन बाई टू रूट एक्स आ जाएगा,
वन बाई टू रूट एक्स आ जाएगा, डीएक्स और इनटू कितना आ जाएगा डीटी। अरे हो गया खत्म काम, अरे खत्म काम हो गया। आप यहां से जस्ट देखो, ये आपके पास यहां से टू टाइम्स ऑफ द यहां से टू टी इंटू डीटी हो गया, इंटीग्रेशन कर दो तो ये बेटा आपके पास यहां से टी स्क्वायर आ जाएगा प्लस सी, टी स्क्वायर की वैल्यू डाल दो टेन रूट एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा। क्या मैच कर रहा है आंसर, क्या मैच कर रहा है आंसर? देखो यहां से जल्दी से, इतना लंबा क्यों सोचना है सर? हम बहुत गरीब लोग हैं सर, हम बहुत छोटा सोचते हैं और बहुत छोटा सोचते हैं तो सर हम ऐसे रखते हैं बस, दैट्स इट। अब मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन, मैं एक छोटा सा दो तीन पॉइंट और बता देता हूं कि इन पॉइंट्स पे अगर आता है तो हम कैसे कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सब्स्टिट्यूशन रखते हैं एंड दैट्स इट। ठीक है, चलो चलो। अब यहां से दो तीन पॉइंट हैं, मैं आज लिख के नहीं ला पाया तो मैं यहां से जस्ट आपको डायरेक्टली लिख देता हूं। कुछ फंडे हैं बेटा सब्स्टिट्यूशन के, वो सब्स्टिट्यूशन के लिए आप अगर डायरेक्टली याद रखेंगे तो ओके है, नहीं याद रखेंगे तो भी ओके है, बट मैं चाहता हूं कि आप याद रखें तो बेहतर रहेगा। अगर हम यहां से जस्ट बेटा बात करें इंटीग्रेशन ऑफ, हमारे पास टेन एक्स डी एक्स आ जाए तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? आपको पता है कि हम सर इसके केस में जब भी पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कॉस एक्स इज इक्वल टू, हम क्या पुट करेंगे यहां से टी पुट करेंगे। ठीक है, हम यहां से कॉस एक्स इज इक्वल टू टी पुट करेंगे और इसका जो रिजल्ट आएगा दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स डीएक्स का, बताइए कितना रिजल्ट आएगा? क्या मैं लिख सकता हूं एल एन ऑफ कॉस एक्स प्लस सी आएगा, क्या यह सही है? नंबर वन, पॉइंट नंबर वन, जब भी आपको इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स डीएक्स मिल जाए तो आपको पता है कि सर एल एन ऑफ हमारे पास यहां से कॉस एक्स आ जाएगा और सर हम यहां से डायरेक्टली पुट कर सकते हैं, क्या यह सही है? ठीक है, पहला पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में बेटा हम लोग बात कर ले, देख लेना मैं कुछ मिस्टेक करूं तो टेन ऑफ ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। मैं इस पर बात कर रहा हूं कि जब भी आपको सब्स्टिट्यूशन की बात आए तो सर हम यहां से क्या लिखेंगे, क्या ये हमारे पास माइनस प्लस तो कुछ नहीं आ रहा, हमारे पास साइन एक्स बाई कॉस एक्स था, हमारे पास साइन एक्स बाई कॉस एक्स था तो हमने कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस, ओके माइनस के साथ आएगा तो या तो ऐसे आ जाएगा या फिर एल एन ऑफ सेक एक्स आ जाएगा प्लस आपके पास कितना आ जाएगा, सी आ जाएगा, करेक्ट, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट मैं यहां से जस्ट बोल रहा हूं कि अगर मेरे पास यहां से इंटीग्रेशन ऑफ कॉटेक्स मिल जाए तो कॉटेक्स इज इक्वल टू कितना आएगा, कोई बता सकता है क्या कॉटेक्स इज इक्वल टू कितना आएगा? सर आसान तो है, एल एन ऑफ साइन एक्स प्लस सी, देख लेना क्या मैं कहीं गलत तो नहीं लिख रहा हूं, माइनस आएगा, मैंने माइनस लिख दिया, मैं मिस कर गया था। ठीक है, एक आपके पास यहां से कॉटेक्स आ जाता है और कॉटेक्स के केस में तो अभी अभी मैंने बताया भी था आपको क्या आता था बेटा, साइन एक्स इज इक्वल टू आप यहां से पुट कर देते हैं, साइन एक्स इज इक्वल टू आप यहां से पुट कर देते थे कितना टी। चलो अच्छा, एक और चीज बता दीजिए, यहां से इंटीग्रेशन ऑफ sec x आ जाए तो sec x के केस में क्या पुट करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ अगर sec x आ जाए तो sec x के केस में क्या पुट करते हैं, ध्यान रखना जब जब आपको ऐसा पॉइंट मिलता है तो आपको पुट करना है sec x माइनस tan x इट इज इक्वल टू टी, ये आपने ट्वेल्थ में पढ़ा रहता है। और अगर आप यहां से करेंगे, हाँ एल एन ऑफ कॉस एक्स प्लस सी आ जाएगा और किसी ने बताया था माइनस के साथ आएगा बच्चे एल एन ऑफ कॉस एक्स प्लस सी, रजनीश कुमार, ठीक है माइनस के साथ आएगा और बाकी सब कुछ ओके। अगर हम इसकी जस्ट बात करेंगे तो आपके पास ये जैसे ही पुट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा एल एन ऑफ सेक एक्स, क्या ये सही है, माइनस टेन एक्स प्लस सी, देख लेना जरा एक बार क्या मैंने सही लिखा है, मैंने सही लिखा है, प्लस आएगा सर, यस प्लस आएगा, प्लस आएगा, ठीक है मैंने माइनस लगा दिया। चलो अच्छा, एल एन ऑफ कॉस एक्स आ जाए तो यहां से अगर कॉस एक्स आ जाए तो इसके केस में क्या पुट करोगे, अगर कॉस एक्स आ जाए तो उसके केस में हम क्या पुट करेंगे, बताइए, ये आपको बताना है, ठीक है आपको बताना है, इसको देखते ही आपको पता हो जाना चाहिए कॉसेक एक्स बराबर क्या आएगा,
कॉसेक एक्स बराबर क्या आएगा, ये आपको देखते ही पता होना चाहिए। मैं एक दो क्वेश्चन देख लेता हूँ प्रीवियस ईयर के, अगर मिल जाते हैं तो वो करा देता हूँ आपको, ठीक है, और नहीं मिलते हैं तो कोई बात नहीं, कल करा देंगे। तब तक, जब तक आप कर रहे हैं, चलो अभी तो नहीं दिख रहे। यस बताइए। यस सर हो गया। इसके केस में हम क्या करेंगे, कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, इसको हम टी पुट करेंगे, तो हमें यहां से कितना दिखेगा, एल एन ऑफ कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, ठीक है, यहां से, और प्लस का कितना आ जाएगा सी। कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स को कहीं से ब्रेक कर सकते हो क्या, कॉसेक एक्स और प्लस कॉट एक्स को कहीं से ब्रेक कर सकते हो क्या, प्लस कॉट एक्स आएगा पक्का, कॉट ओ और रजनीश कुमार ने बताया, यस आराध्या दुबे ने बिल्कुल सही आंसर किया है, बाकी लोग थोड़ा सा ध्यान दें, बाकी लोग थोड़ा सा ध्यान दें, बस और कुछ नहीं, ठीक है। यहां से ध्यान से देखिए, जब भी कॉसेक एक्स आता है तो कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स पुट करते हैं, नॉट प्लस, ठीक है। आराध्या दुबे ने आंसर सही दिया, बाकी लोग चेक कर ले एक बार, माइनस के साथ, यस बिल्कुल सही, कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स इज इक्वल टू टी, और ये वाला, अच्छा इसको ब्रेक करिए जरा, ये कितना आ जाएगा, वन बाई साइन एक्स, और ये कितना आ जाएगा बेटा आपके पास, साइन एक्स कॉट एक्स कॉसेक्स बाई साइन एक्स, तो वन माइनस कॉसेक्स बाई साइन एक्स हो जाएगा, और वन माइनस कॉसेक्स बाई साइन एक्स करोगे तो आप यहां से इसको ब्रेक कर सकते हो, कितना आ जाएगा बेटा, ln ऑफ 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाई sin x है, आप अगर थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस, और ये आ जाएगा यहां से कितना, 1 प्लस 2 sin स्क्वायर x बाई 2 डिवाइडेड बाई, ये कितना आ जाएगा 2 sin x बाई 2, और प्लस इनटू में कितना आ जाएगा cos x बाई 2, तो बेटा यहां से 1 से 1 खत्म, 2 से 2 खत्म, साइन से साइन खत्म, और ये आपके पास आ जाएगा यहां से cos ऑफ x बाई 2, तो ln ऑफ cos ऑफ यहां से tan ऑफ x बाई 2 आ जाएगा, अगर आप ब्रेक करोगे तो आपको यहां से पता चलेगा कि सर ln ऑफ tan x बाई 2 भी लिख सकते हैं, देखो क्या सही लिखा है मैंने, मैंने कोई मिस्टेक तो नहीं की है, आप इसको भी, ये भी आंसर आपका आ सकता है अगर आपको ध्यान से दिखा तो डेफिनेटली दिख जाएगा, और नहीं दिखा तो कोई बात ही नहीं, ठीक है, देखो सही लिखा। चलो तो ये आपका बेसिक इंट्रोडक्शन, जो इंटीग्रेशन है दैट इज आपका इनडेफिनेट इंटीग्रल। इनडेफिनेट इंटीग्रल के इतने क्वेश्चन के अलावा आपको कुछ भी एक्स्ट्रा लगाने की जरूरत नहीं है, जो भी इसके आगे का जो है वो डेफिनेट इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल के बाद हमारा इंटीग्रेशन स्टार्ट होगा जो हमारे गेट में आता है, ठीक है। थोड़ा सा जस्ट आपको प्रैक्टिस करानी थी, और अगर आपको प्रैक्टिस हो गई है तो ओके है, फिर हम यहां से डेफिनेट इंटीग्रल जो है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यस माइनस एल एन टी आ जाएगा, माइनस एल एन टी आ जाएगा, माइनस एल एन टी कहां पे, माइनस एल एन टी आ जाएगा, बिमलेंद्र ने बताया है कि सर माइनस ऑफ एल एन टी आ जाएगा, देखिए क्या सही है, मेरे ख्याल से तो इतना ठीक है, और अगर आप कर ले रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे तो बस एक सब्स्टिट्यूशन ये रहा, एक सब्स्टिट्यूशन ये रहा, और एक ये रहा, ये तीन पे आपको कंफ्यूजन रहता है कि आपको क्या रखना है, ठीक है। चलो तो ये बेटा आपका यहां से बेसिक वाला पार्ट रहा, मेरे ख्याल से किसी को कुछ इश्यू नहीं होना चाहिए। प्रीवियस ईयर की बुक सबके पास आ गई है बच्चे, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन की बुक किसने डाली थी, कहां गया अरे वो नंबर दिखा नहीं, तिवारी, तो तिवारी ने डाल दी थी प्रीवियस ईयर की बुक, उस बुक को देख लीजिएगा बहुत ध्यान से, और उसके बाद जस्ट आपको कुछ नहीं करना, बस उसके सारे के सारे क्वेश्चन लगाने, और मैं उसकी प्रैक्टिस कराऊंगा। फिफ्थ प्रॉब्लम एक बार बता दें कौन सी थी फिफ्थ प्रॉब्लम, आकाश मुझे वो नहीं पता कि फिफ्थ प्रॉब्लम थी कौन सी, मैंने तो नंबर डाले नहीं कहीं पे भी, दिस इज 1 2 है ना, दिस इज 3, दिस इज 4 एंड दिस वॉज फिफ्थ, क्या ये थी आकाश, क्या ये थी फिफ्थ प्रॉब्लम, एक्स स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जतिन ने डाल दिया था, हाँ जतिन ने डाला था, तो बाकी लोग सारे के सारे क्वेश्चन ट्राई करें, क्योंकि जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो हमें एक सिंगल क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, प्रीवियस ईयर का एक सिंगल क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, अभी जस्ट हम लोग यहां से बेसिक देख ले रहा हूं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पे बात करेंगे,
जल्दी से मुझे बताएं, ये था। अच्छा, तो इसमें क्या है, मैंने यहां से जस्ट बोला था कि सर मैंने साइन स्क्वायर को, मैंने ट्रिग्नोमेट्री के भी फॉर्मूले दिए, दैट इज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन, ठीक है। तो हमने साइन स्क्वायर एक्स को वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डाल दिया, ये सेक था इसको वन बाई कॉस लिख दिया, यहां से क्या किया मैंने डिवाइड कर दिया, ये एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन पूरा कट गया तो वन बाई कॉस स्क्वायर बचा, माइनस कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कटा वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर बचा, तो हमारे पास वन बाई कॉस स्क्वायर कितना था, सेक स्क्वायर था, यह वन प्लस एक्स स्क्वायर था, ब्रेक कर दिया, खत्म कर दिया, ब्रेक कर दिया, खत्म कर दिया, इतना तो लगा लेने दो, ठीक है, ब्रेक कर दिया, फिनिश कर दिया, आपके पास टेन एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स आ गया आकाश, बस हो गया खत्म क्वेश्चन, ठीक है। छोटे छोटे तो क्वेश्चन थे, बिल्कुल आसान वाले, चलो ठीक है, कल हम डेफिनेट इंटीग्रल और करेंगे, डेफिनेट इंटीग्रल के बाद कल ही हम डबल इंटीग्रेशन और ट्रिपल इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन करेंगे, और उसके बाद हम लोग एरिया अंडर द कर्व्स पे आ जाएंगे, ठीक है। चलो तो अभी हम लोग लीव करते हैं, अभी हम लोग लीव करते हैं, और इसके बाद कल हम मिलेंगे सेम टाइम शाम को 4 बजे, चलो ठीक है। और किसी को कोई भी डाउट हो तो प्लीज डाउट वगैरह आप मुझे ग्रुप में टैग कर दिया करो, मुझे ग्रुप आपका नहीं दिखता, एक्चुअल में इतने सारे ग्रुप हैं दिखता ही नहीं है कि कहां पे हो आप लोग, तो अगर कहीं पे डाउट हुआ करे तो पूछ लिया करो, वैसे मैथ में नहीं, आपके टेक्निकल सब्जेक्ट्स में डाउट आने चाहिए, मैथ आपको वैसे भी, हाँ ठीक है, ठीक है, आ गया, चलो ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, सब लोग मस्त रहिए और पढ़ते रहिए, बाकी लोगों को इन्फॉर्म कर दीजिए कि मंडे से आपका डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, चलो ओके बेटा, बाय बाय।